गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू सारी। आज हम स्टार्ट कर एक मैराथन। आज आई हैव वो टॉपिक वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को आज कवर कर। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ओके अभी ठीक है। द वॉइस फाइन नाउ, इज द वॉइस फाइन? मॉर्निंग पूजा, स्माइल, आर्ली, अभी वॉइस ठीक है एवरीवन? लो है ओके। ओके अभी ठीक है, वॉइस अभी फाइन है? कंफर्म इट एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? अभी ठीक है ओके चलो ठीक। तो थोड़ी ट्रबल शूटिंग शायद आ जाती है बेटा ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके बाद वी विल सी कि हम कुछ टॉपिक भी रिवाइज करने के। ठीक है, तो आज का हमारा डे वन है महामैराथन सेशन का। बायोटेक्नोलॉजिकल सेशन हमारा पूरे 4 घंटे चलने वाला है, मैं आपको अभी से बता देती हूँ। हम लोग कम से कम 3 बजे तक बैठ के पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मोल बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस हम लोग हर टॉपिक से करने वाले हैं, रेप्लिकेशन है, डीएनए डैमेज है, रिपेयर है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, सारे ओपेरॉन्स है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जहां जहां से चांसेस से क्वेश्चन आने के मोल बाय ओके, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करने वाले ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको नहीं करना है या बोर हो रहा है, हमको नींद आ रही, कुछ और अच्छा काम है, इससे आप लोग अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है गैटबी के लिए, आप सीरियस हो, तो यू कैन इमेजिन अगर मैं संडे रख के मैं आके अगर आपके लिए सेशन ले रही हूँ, तो आप लोग भी इतने एफर्ट्स ले सकते हैं और आप भी सेशन को पूरा अटेंड कर सकते हैं ओके। गुड मॉर्निंग प्रवीण, हेलो अभिषेक ओके। सो दिस सेशन इज प्लान्ड फॉर यू ऑल। एक महामैराथन का आगाज हम संडे को कर रहे हैं। आज का सेशन हमारा पूरे 4 घंटे का होने वाला है, जिसमें मोल बायोलॉजी का हर वर्ड हम लोग कवर करेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत है, आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करें फिर ओके चलो शुरुआत करें फिर। सो यस, गैटबी टेस्ट सीरीज इज फॉर यू ऑल। तो अगर आपको अभी भी प्रैक्टिस करनी है, आपने अगर अब तक कुछ प्रैक्टिस आपका पेंडिंग है, तो आप लोग इन टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो। जो भी आपका पेंडिंग पार्ट होगा वो सारा आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, रिविजन आप लोग कर रहे हो, यूज दिस प्रोमो कोड MAM99 एंड बाई यूजिंग दिस प्रोमो कोड आपको पूरी टेस्ट सीरीज हमारी बिल्कुल 1 रुपीज में। हाँ, 5 दिन है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सभी के लिए, अनुराग बिल्कुल हमें भी यही लगा था, बट हमने कहा चलो ठीक है, बच्चों की एग्जाम है सैटरडे को, तो मैराथन संडे को ही शुरू किया जाए। सेशन हमारा 4 घंटे का होने वाला है, टिल 3 o'clock एटलीस्ट। गुड मॉर्निंग अर्चना, बीच में भूख लग जाएगी तो नाश्ता वास्ता लेके बैठ जाना, प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is are incorrect in the regulation of tryptophan operon? Tryptophan operon के बारे में इसमें से कौन सा statement गलत है? ये
एग्जाम बिल्कुल होगा बाबा, देखो डोंट हैव दिस थिंग इन योर हेड कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है. सम पीपल आर सेइंग 3, सम आर सेइंग 4, सम आर सेइंग 2. क्या बात है, क्या बात है. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ट्रिप्टोफैन उपरॉन? एक काम करते हैं, पहले ट्रिप्टोफैन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, एक काम करते हैं, हम पहले ट्रिप्टोफैन के उपरॉन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इजी लगेंगे. तो सी, अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्रिप्टोफैन उपरॉन की, तो ट्रिप्टोफैन उपरॉन क्या है, ये भी एक हमारा रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, और यहाँ पे भी हमारे कुछ जीन्स एक्सप्रेस होने वाले हैं, और ये जीन्स करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. और ये कौन से एंजाइम्स है? तो ये हमारे वो एंजाइम्स है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन उपरॉन जो होता है ये हमारा एक एनाबॉलिक उपरॉन है. दिस ओपेरॉन इज एक्चुअली वन एनाबॉलिक ओपेरॉन. इसका मतलब ये कि जब हमारा ये ओपेरॉन काम करेगा तब हमारे इस ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा. जैसे हम बात करते हैं लैक्टोज ओपेरॉन की, तो लैक्टोज ओपेरॉन में क्या होता है, जब लैक ओपेरॉन काम करता है तब लैक्टोज का ब्रेक डाउन होता है. बट यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जब हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन काम करेगा तो ट्रिप्टोफैन का ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है, उसका यहाँ पे सिंथेसिस होने वाला है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी ट्रिप्टोफैन उपरॉन जो है ये हमारा एक एनाबॉलिक उपरॉन होता है, और इस उपरॉन से जो भी हमारे एंजाइम्स बनते हैं, दीज एंजाइम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर दी बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. ठीक है, ये एक चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी हो. अब अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस की, सो इसमें हम लोगों को पांच एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिनको पांच ट्रिप जीन्स बनाते हैं. दीज आर दी पार्ट फाइव स्ट्रक्चरल जीन्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी एंड ट्रिप ई. अगर हम बात करते हैं हमारे ट्रिप ए की, तो यहाँ पे आता है आपका ट्रिप्टोफैन सिंथेस, ए का सब यूनिट, बी का सब यूनिट. इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स हमारे इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के रेगुलेशन की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के रेगुलेशन की, तो ये रेगुलेशन दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है. एक तरीका होता है बाय अटेन्यूएशन, और दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग दी रिप्रेसर. ठीक है, तो रिप्रेसर से एक तरीका होता है, उसके अलावा एक और तरीका होता है हमारा, दैट इज बाय दी वे ऑफ अटेन्यूएशन. नाउ टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं हमारे ट्रिप्टोफैन उपरॉन की, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि इस उपरॉन को हम तब एक्टिवेट करते हैं जब हमको ट्रिप्टोफैन बनाना होता है. व्हेन वी नीड द ट्रिप्टोफैन एट दैट टाइम वी विल परफॉर्म दिस ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस. तो मुझे इतना बता दो, अगर ऑर्गेनिज्म के पास ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो क्या हमारा उपरॉन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उपरॉन हमारा ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? ऑफ रहेगा. एवरीवन अग्रीज? मानचू एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा बाबा, एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपके पास आ जाएगा एडमिट कार्ड, नीड टू वरी अबाउट इट. एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको बहुत दूर का सेंटर नहीं देंगे, डोंट वरी अबाउट इट. तो यस, ओपरॉन हमारा ऑफ रहेगा, बिकॉज अगर ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो हमको और क्यों बनाना है ना. और वही बच्चों अगर कंडीशन होती है लेस ट्रिप्टोफैन वाली, इफ देयर इज वेरी लेस ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब हमको ट्रिप्टोफैन की जरूरत है, और जरूरत कैसे पूरी की जाएगी, बाय परफॉर्मिंग दी बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा उपरॉन जो है वो ऑन रहेगा, है ना. अब मुझे बताओ अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये उपरॉन को ऑफ कर रहा है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये उपरॉन को ऑफ कर रहा है, मतलब कि किस तरीके से रिप्रेशन कॉज करवा रहा है, मतलब ये किस तरीके से रिप्रेशन कॉज करवाता है ये
हमारे एक्सप्रेशन को नहीं होने देता है. तो याद रखना है हमारा जो ट्रिप्टोफैन है दिस वर्क्स एज अ को रिप्रेसर. ठीक है, किसका काम करता है? तो ये काम करता है बच्चों को रिप्रेसर का. और अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट रहेगा तो इस केस में हमारा को रिप्रेसर भी एब्सेंट रहेगा. तो आपको अगर ये लॉजिक समझ में आया है तो इस लॉजिक से अगर आप सोचोगे तो याद रखना है कि अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस की वजह से ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ये काम करता है एज अ को रिप्रेसर. ये जाके रिप्रेसर को बाइंड हो जाता है और हमारे ट्रिप्टोफैन के रिप्रेसर को बाइंड करने की वजह से हमारा जो रिप्रेसर है वो उसके एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. अब जो हमारा ये एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर है ये जाके बाइंड हो सकता है ऑपरेटर को, एंड व्हेन इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर नाउ देयर विल बी नो एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स. क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट था तो इस केस में क्या होगा, हमको ओपरॉन को नहीं चलाना है, हम इसमें से कोई भी जीन्स नहीं बनाएंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन. अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो हमारा रिप्रेसर को कोरिप्रेसर बाइंड नहीं हो पाएगा. इफ देयर इज नो ट्रिप्टोफैन मींस व्हाट? मींस इन दिस केस कोरिप्रेसर इज नॉट बाउंड टू द रिप्रेसर. और अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर कोरिप्रेसर नहीं बाइंड हो पा रहा है रिप्रेसर को बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रिप्रेसर अभी हमारा इनएक्टिव स्टेट में रहता है. और अगर रिप्रेसर हमारा इनएक्टिव स्टेट में है मतलब ये जाके अभी कोई भी ओपरेटर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो पाएगा. इसकी वजह से यहाँ पे सारे जीन्स का एक्सप्रेशन होगा और सारे एंजाइम का सिंथेसिस होगा. तो इन दिस वे यू हैव टू रिमेम्बर, इफ देयर इज नो ट्रिप्टोफैन means the operon will be on. If there is tryptophan, then the operon will be off. Did you all get this logic? क्या सबको ये समझ में आया है? नहीं आरती, आप लोग की एग्जाम है सैटरडे को, पढ़ो पढ़ो चलो. एडमिट कार्ड कब आएगी? अरे बाबा आ जाएगी. ठीक है चलो. Now solve this question. Which of the following is or are statements are incorrect about the trip operon? बताइए कौन सा statement यहाँ से गलत है. गलत statement कौन सा है? Some are going with two. समर हुए विद थ्री. तो एक्चुअली ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा एक प्रैंक किया, इसके दोनों ऑप्शन सही है, इसके अलावा सारे आपके एक आंसर वाले ही है. बस ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन लेके आई थी. आई जस्ट वॉन्टेड कि कोई मुझे कॉन्फिडेंटली बोले कि मैम दो स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं यहाँ पे, पर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं. सो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल ओपरॉन, चलो ठीक है. उसके बाद में द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर, नहीं है ना. हमारा जो ट्रिप्टोफैन होता है ये क्या होता है बच्चों, तो ये एक को रिप्रेसर होता है. और अगर ये को रिप्रेसर है मतलब क्या करेगा, मतलब ये रिप्रेसर को एक्टिव बोलेगा, सॉरी मतलब ये क्या करेगा, रिप्रेसर को एक्टिवेट करेगा. सो इफ वी हैव एन रिप्रेसर, इसको हमारा ये को रिप्रेसर बाइंड होता है, तब जाके हमारा एक्टिव फॉर्म ऑफ रिप्रेसर बनता है. ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर को इनएक्टिवेट नहीं करता है, उसको वो एक्टिवेट करता है. सो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, लेट मी जस्ट चेक द कैमरा. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इंड्यूसेस द ओपरॉन, है ना. ये इंड्यूसर का काम तो नहीं करता है, ये किसका काम करता है बच्चों, तो ये इनहिबिटर का काम करता है. लैक्टोज एलोलैक्टोज था जो इंड्यूसर था, ये क्या है, तो ये इनहिबिटर का काम करेगा. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. फोर्थ क्या बोला है, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन. हाँ ये बात तो सही है, अगर ट्रिप्टोफैन रहेगा तो ट्रिप्टोफैन जाके बाइंड होगा रिप्रेसर को, तब जाके रिप्रेसर बाइंड हो सकता है ऑपरेटर. ठीक है, हेलो विकास सर, देयर इज सम इशू विद द कैमरा, इसको मैं चेक करती हूँ, तब तक हम अगला सवाल ट्राई करते हैं. ओके चलो अगला सवाल ट्राई करो. द
दिस क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग योर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. ट्राई करो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा. वेरी गुड आफ्टरनून भूमि. चलो तो क्या बोल रहे हैं बच्चे. समर सिंह ऑप्शन नंबर डी, समर सिंह बी. है ना, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2, 3, 4. शाबाश. देखो क्या बोला है, अ म्यूटेशन रिजल्टिंग इन दी इनएक्टिवेशन ऑफ दी शाइन डेलगैनो सीक्वेंस. हमारा यहाँ पे एसडी सीक्वेंस जो है वो इनएक्टिवेट हो चुका है. इन द ट्रिप्टोफैन लीडर वुड अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन लेवल इन द फॉलोइंग वे. बच्चों अगर हमारा एसडी सीक्वेंस में ही म्यूटेशन आया है, अगर हमारे एसडी सीक्वेंस में म्यूटेशन आया है तो क्या हो जाएगा. कोई तो सही है पर निक ऑफकोर्स कोई तो सही रहेगा ना. व्हाट विल बी द आंसर हियर. द आंसर विल बी दैट even in the presence of low level of tryptophan expression would decrease. है ना, tryptophan का level चाहे low हो चाहे high हो, बच्चों अगर SD sequence में mutation आया है तो आपको क्या लगता है इस case में translation जो है वो हमारा start ही नहीं हो जाना चाहिए ना. अगर SD sequence में mutation है वो inactivate हो चुका है तो हमारे ribosomes का काम क्या होता है. ribosomes का काम ये होता है कि वहाँ पे जाके attach करे, translation को start करे, protein का synthesis करे. बट अगर ऐसी कंडीशन रहेगी बच्चों तो फिर देखने को नहीं मिलेगा. यस इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एक्सप्रेशन जो रहेगा वो हमारा डिक्रीज होगा. चाहे लेवल हाई हो चाहे लेवल लो हो, इस केस में हमको एक्सप्रेशन जो है वो लेस ही देखने को मिलेगा. एक्सप्रेशन वुड इंक्रीज वाला आपको सिनेरियो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलना चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ म्यूटेशन ऑफ कोर्स नहीं, अगर म्यूटेशन आएगा राइबोसोम्स बाइंडिंग टू आरएनए अफेक्ट. ठीक है, यस चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल किस एक्सेप्शन की बात कर रहे हो. क्या बोल रहे हो आप लोग, कौन क्या बोल रही है. So when tryptophan accumulates, in the bacterial cell, इससे क्या हो जाएगा. समर सिंह वन, समर सिंह थ्री. वन में क्या दिया है कि अगर ट्रिप्टोफैन जो है ये होता रहेगा, अगर ट्रिप्टोफैन का accumulation होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर को. हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था कि ट्रिप्टोफैन क्या करता है, ये जाके रिप्रेसर को बाइंड होता था और फिर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड होता था ऑपरेट. है ना, तो व्हाट विल बी हैपन हियर, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. तो ये क्या करेगा बच्चों, ट्रिप्टोफैन अगर एक्युमुलेट होता है तो ट्रिप्टोफैन जाके बाइंड हो जाएगा पहले तो रिप्रेसर को, उसके बाद वो जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरॉन. ठीक है, चलो ये बताइए द प्रिसाइज फंक्शन ऑफ द हेयर पिन लूप. हम अटेन्युएशन की बात करते हैं, बात की जा रही है. इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इन निकोलाय इज that it acts as what. Good morning Mansi. Precise function पूछा गया है बच्चों, वो hairpin.
तब बच्चे वन बता रहे हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करता है कि ट्रांसलेशन टर्मिनेट करता है? अनुष्का बताओ मुझे बच्चों, ये ट्रांसलेशन टर्मिनेट करता है कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट करता है? क्या बोल रहे हो तुम लोग? दिस इज अ ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन, नॉट ट्रांसक्रिप्शन। तुमने पढ़ाई की है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके 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 चलो। अच्छा मुझे बताओ, उपरण का आपको पहला लॉजिक समझ में आया है, ट्रिप्टोफैन उपरण का? अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा, रिप्रेस्ट को बाइंड होगा और हमारा ट्रिप्टोफैन का उपरण ऑफ रहेगा। सी, इफ ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट तो व्हाट विल हैपन, इट विल बाइंड टू रिप्रेसर, इसकी वजह से रिप्रेसर हमारा एक्टिव रहेगा, मतलब हमारा जो उपरण है ये ऑफ हो जाए। और अगर ट्रिप्टोफैन हमारा एब्सेंट है तो रिप्रेसर हमारा इनएक्टिवेट रहेगा और उपरण हमारा ऑन रहेगा। बिकॉज ट्रिप्टोफैन क्या है, ट्रिप्टोफैन उपरण जो है वो एक, ओके ये सबको समझ में आया है? अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो होता है एटेन्युएशन। ओके नाउ वी विल स्टडी वन मोर कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एटेन्युएशन। अब होता ये है कि अगर हमारे पास में एक सेल है, When we talk about one cell, इस सेल में ये एक DNA है, ये bacterial cell है। Bacteria में क्या होता है, उनके पास अलग अलग organelles नहीं है, उनका transcription है, translation है, replication है, सबके सब एक ही जगह पे perform किया जाता है। So यहाँ पे आके bind हुआ है हमारा एक polymerase, this is RNA polymerase। अब होता यहाँ पे ये है कि इसकी वजह से यहाँ पे हमारे mRNA का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे mRNA का सिंथेसिस स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ दी RNA पॉलीमरेज। और जब हमारा ये RNA का mRNA बन रहा है बच्चों, तो इसको हमारे राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, सो नाउ दे स्टार्ट दी प्रोटीन सिंथेसिस। Ribosomes, what they will do? Now they will start performing the protein synthesis. ये देखा जाता है आपके prokaryotes के अंदर, उनके अंदर देखा जाता है co-transcription and co-translational mechanism. That we see this co-transcription and co-translation phenomenon. Okay. अब attenuation की अगर हम बात करते हैं, तो attenuation का मतलब आपको याद होगा, तो उसमें आप क्या देखते थे कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ लूप बनते थे, है ना? यहाँ पे कुछ लूप फॉर्म होते थे आइदर बिटवीन रीजन 1 एंड 2 और 2 एंड 3, वो अलग हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे कुछ लूप बनते थे, उस लूप बनने की वजह से समवेयर द टर्मिनेशन लूप, समवेयर द एंटी टर्मिनेशन लूप। और अगर वैसे लूप बनता था तो लूप के बनने से क्या होता था, राइबोसोम आगे नहीं बढ़ पाता था। अग्रीड? अगर लूप बनता है तो राइबोसोम आगे नहीं बढ़ पाता है, इसका मतलब वो लूप क्या कर रहा है, लूप राइबोसोम के मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है, मतलब वो ट्रांसलेशन को स्टॉप कर रहा है। ट्रांसलेशन को कोई नहीं रोक रहा है, ट्रांसलेशन चलता रहेगा, डजंट मैटर यहाँ पे क्या किया जा रहा है। अगर हम लोग लूप फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो लूप फॉर्मेशन से क्या होता है, ट्रांसलेशन स्टॉप होता है। और अगर ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर की बात की जाए तो वो ट्रांसक्रिप्शन रोकेगा, बट ये मैकेनिज्म ट्रांसलेशन को रोकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जब उसके पे क्वेश्चन आएगा ना ट्रांसक्रिप्शन पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, फिर ये क्वेश्चंस आएंगे। ओके मैथिली, सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है,
ट्रांसक्रिप्शन की वजह से आपका एमआरएनए बन रहा है. इन प्रोकैरियोट्स इट इज सीन दैट दे परफॉर्म को ट्रांसक्रिप्शन. है को ट्रांसलेशन मीन्स वो एक साथ में ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों भी परफॉर्म करते हैं. और उसके उनके उस एमआरएनए में तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वहां पे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे और वो राइबोसोम्स तुरंत प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट कर देते हैं. बट अगर वहां पे लूप फॉर्मेशन होता है, आइदर टर्मिनेशन लूप और एंटी टर्मिनेशन लूप, तो उस लूप के फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलता है कि राइबोसोम हमारा आगे नहीं बढ़ पाता है. अगर राइबोसोम आगे नहीं बढ़ पाएगा तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम का काम होता है टू परफॉर्म ट्रांसलेशन, टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस. बट लूप क्या कर रहा है, लूप राइबोसोम के मूवमेंट को स्टॉप कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप कर. ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था कि लूप का ही आपको मीनिंग पूछा गया था, करेक्ट. आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि जो हेयरपिन लूप बनता है उसका प्रिसाइज फंक्शन क्या होता है. वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट नहीं करता है, जो काफी बच्चे बता रहे थे, वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करेगा, वो राइबोसोम के मूवमेंट को स्टॉप करेगा, राइबोसोम के मूवमेंट को वो स्टॉल कर देगा. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. लैक ओपेरॉन में ये मैकेनिज्म नहीं चलता है. जो हमारा ये लूप फॉर्मेशन है ना, ये आपके लैक ओपेरॉन में नहीं चलता. लैक ओपेरॉन में अलग रेगुलेशन होता है, कैप बाइंडिंग साइट्स वो रेगुलेशन. ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि लूप अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, ये लूप फॉर्मेशन जो है इसका क्या रीजन होता है, तो ध्यान से समझना. हमारे पास जो एमआरएनए रहता है, हमारे इस एमआरएनए में एक लीडर सीक्वेंस होता है. यहाँ पे हमारे पास लीडर सीक्वेंस है, उसमें बच्चों चार रीजन्स होते हैं. यहाँ पे चार अलग अलग रीजन्स होते हैं. देयर इज रीजन वन, देयर इज रीजन टू, देयर इज रीजन थ्री एंड देयर इज रीजन फोर. ठीक है, यहाँ पे हमारे चार रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, तो हमारा जो रीजन वन रहता है ना, यहाँ पे हमारे पास में दो कोडॉन्स होते हैं. जो कोडॉन होते हैं ये क्या करते हैं, दीज आर कोडॉन्स फॉर ट्रिप्टोफैन. ये कोडॉन किसके होते हैं, तो एमआरएनए में कोडॉन होता है ट्रिप्टोफैन. ये रीजन वन में प्रेजेंट है. नाउ इमेजिन अ सिनेरियो कि ये हमारा डीएनए है, ऊपर में हमारा ये पॉलीमरेज है, उसके आगे ये हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज होके आ रहा है. उसके बाद इसको हमारा ये राइबोसोम आके अटैच हुआ एंड राइबोसोम हैज स्टार्टेड टू मूव ऑन. राइबोसोम क्या कर, राइबोसोम जो है मूव आगे 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 बढ़ रहा है. अब राइबोसोम क्या करेगा, तो राइबोसोम पहले रीजन वन पे आएगा, वो रीजन वन पे आएगा. अब मुझे बताओ बच्चों, अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, तो जब राइबोसोम को जरूरत पड़ेगी ट्रिप्टोफैन की, मतलब राइबोसोम को जब ट्रिप्टोफैन चार्ज टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, एंड इफ इन द बॉडी ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा चार्ज टीआरएनए आ जाएगा. अगर चार्ज टीआरएनए आ जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन इज नॉट इनिबिटेड. डू यू अग्री, ट्रांसलेशन इज नॉट इनिबिटेड एंड हमारा राइबोसोम आगे बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो रीजन टू पे चला जाएगा. हमारा राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम आगे बढ़ते बढ़ते रीजन टू तक चला जाएगा. पहले बताओ ये समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया. अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो रीजन वन में राइबोसोम नहीं अटकेगा और राइबोसोम आगे बढ़ते बढ़ते टू की तरफ चला जाएगा. अग्री, परफेक्ट. नाउ सेकेंड सिनेरियो, अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है, इफ ट्रिप्टोफैन इज नॉट प्रेजेंट, अब क्या हो जाएगा, अगर ट्रिप्टोफैन नहीं प्रेजेंट रहेगा तो इस टाइम पे हमारा जो भी फर्स्ट रीजन है वहां पे दो कोडॉन्स है जो जिसको चाहिए है ट्रिप्टोफैन, तो इस केस में चार्ज्ड टीआरएनए में ट्रिप्टोफैन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसलेशन जो है वो वहीं पे इनिबिट हो जाएगा, राइबोसोम विल बी स्टॉल्ड देयर. और आपका राइबोसोम यहाँ पे क्या अटैच्ड है,
राइबोसोम यहाँ पे रीजन वन में ही ट्रैप हो जाएगा. डू यू अग्री? यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोसोम रीजन वन में ही ट्रैप हो जाएगा. अब बच्चों अगर राइबोसोम हमारा रीजन वन में ही ट्रैप है, राइबोसोम अगर हमारा रीजन वन में ही ट्रैप हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, जो रीजन टू है और जो रीजन थ्री है, ये लोग आपस में लूप बनाते हैं. और राइबोसोम अगर रीजन टू तक पहुंच गया तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका लूप बनता है बिटवीन थ्री एंड दी फोर, थ्री एंड द फोर. और अगर हमारा लूप बन रहा है बच्चों बिटवीन थ्री एंड फोर, अगर ट्रिप्टोफैन अबंडेंटली प्रेजेंट है, इफ वी हैव सफिशिएंट ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, देन व्हाई डू वी नीड मोर ट्रिप्टोफैन? इस केस में क्या हो जाएगा, अगर लूप थर्ड एंड फोर्थ जिनके बीच बनेगा तो ये कहलाता है आपका टर्मिनेशन लूप, दिस कॉल्ड एज टर्मिनेशन. और अगर टू एंड थ्री के बीच में है तो ये कहलाता है एंटी टर्मिनेशन. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? व्हिच टैब यू आर यूजिंग, आस्किंग फॉर दिस टैब. दिव्यानी, जब ट्रांसमिशन परफॉर्म होता है तब एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, उसका काम होता है हर टीआरएनए को चार्ज करना, उसका काम होता है टीआरएनए को पकड़ना और उसके ऊपर में एक अमाइनो एसिड को ऐड करना. उसके बाद जब हमारा टीआरएनए को अमाइनो एसिड लग जाएगा, फिर एक आपका ट्रांसलेशनल फैक्टर होता है कॉल्ड एज EFTU, इलॉन्गेशन फैक्टर TU, उसका काम होता है चार्ज टीआरएनए को ए साइट तक लेके आना. रीजन टू से रीजन थ्री तक जाता रहेगा ना, उसके पहले थ्री एंड फोर लूप बना लेते हैं, बिकॉज वन टू थ्री फोर जो होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो राइबोसोम जब तक रीजन वन टू आगे आगे पहुंच रहा है तब तक थ्री और फोर ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका होता है. अगर थ्री एंड फोर ऑलरेडी सिंथेसाइज है तो थ्री एंड फोर आपस में लूप बना लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर टू एंड थ्री के बीच में लूप बन रहा है तो ये होता है हमारा एंटी टर्मिनेटर लूप. राइबोसोम देख सकते हैं आप लोग स्टॉल्ड है, अगर राइबोसोम रुक गया वहां पे तो सेकेंड और थर्ड में क्या बन जाएगा, आपस में ही लूप बन जाएगा. बट अगर ट्रिप्टोफैन अबंडेंटली प्रेजेंट है तो इस केस में राइबोसोम आगे नहीं, इस केस में राइबोसोम वहीं पे स्टक नहीं होता है, वो वन से लेके टू की तरफ जा रहा है, पर तब तक क्या हो चुका है, तो हमारा थ्री एंड फोर ऑलरेडी बन चुका है, तो थ्री एंड फोर आपस में लूप बना लेते हैं एंड दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन लूप. ठीक है, समझ में आया? तो एवरीवन गॉट द आइडिया ऑफ दिस थिंग. ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की रेगुलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक है कि ट्रिप्टोफैन खुद काम करता है एज अ कोर रिप्रेसर, और एक इनहिबिशन का मैकेनिज्म होता है हमारा ये वाला, दैट इज अटेन्युएशन. तो आगे बढ़ते हैं. What is the answer here? Translational terminator जो रहेगा ये हमारा answer. Students, आप लोगों से एक request है, please session को like और share कर देना. Okay? आज हम इतने दिन ऐसे बाद ऐसे बैठे हैं पूरे चार घंटे के लिए, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो, बिकॉज हम लोग काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चल रहे हैं. पक्का मुझे पता है कोई ना कोई क्लास में आके बोलेगा मोरबा का सेशन होगा, उनको पता नहीं होगा आज का सेशन, बिकॉज ये सेशन काफी टाइम पे प्लान हुआ था. आपके जो भी स्टडी ग्रुप होंगे उसमें एक बार शेयर कर देना, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स जिनको पढ़ना है मोल भाई होते हैं. Which of these ARA genes is a mode of feedback? आपको रैबिनस ऑपरॉन भी पढ़ना है मुझसे, कुछ मैं छोड़ दू. अरे कोई डरने की बात नहीं है. अगर हम बात करते हैं ARA जीन, ARA ओपेरॉन की या फिर अराबिनोज ओपेरॉन की, इसके पास में तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ARA A ARA B. बैड याद रख लो, बैड जो है ये हमारे तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है. तो बचा कौन सा? बचा हमारा ARA C.
जैसे लैक आय होता है ना इनिबिटर, जैसे लैक आय से बनता है रिप्रेसर जो काम करता है, तो इनिबिटर वैसे ही आरएसी जो है ये भी हमारा एक तरीके का इनिबिटर ही होता है, ठीक है, ये भी हमारा एक तरीके का इनिबिटर ही होता है। अगला सवाल, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन वॉइस का, ओके अभी ठीक है, नाउ आई थिंक द वॉइस इज फाइन। ए स्टेटमेंट ए या फिर असर्शन क्या बोल रहा है, असर्शन ये बोल रहा है कि लैक ओपेरॉन जो है ये हमारा एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। देखो कोई लोड नहीं लेनी, माइंड को बिल्कुल क्लीन रखो, दिमाग बिल्कुल शांत रखो, रीड करो। पहला क्या बोला है, लैक ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। हाँ ये बात सही है कि लैक्टोज ओपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, अगर एलोलैक्टोज आता है सो दैट एलोलैक्टोज जो है ये एक्टिवेट करवाता है, ये रिप्रेसर को हटाने का काम करता है, ओपेरॉन को ये ऑन करता है। तो असर्शन जो ए स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम बात करते हैं रीजन की, तो रीजन में क्या बोला गया है कि लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन्स बाउंड टू द ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है, ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन इंड्यूस नहीं होता अगर रिप्रेसर ऑलरेडी बाउंड रहा हमारे ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर ऑलरेडी बाउंड रहेगा ऑपरेटर को तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ओपेरॉन इंड्यूस नहीं होगा, ये बात सही है। बट ये कहां से साबित कर रहा है, क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर स्टेटमेंट, अगर हमारा जो रीजन है इफ इन दैट दे वुड हैव मेंशन समथिंग अबाउट द एलोलैक्टोज कि एलोलैक्टोज आता है वो आके एक इंड्यूसर का काम करता है, वो रिप्रेसर को डिसोसिएट कराता है, तब जाके वो चीज होती है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट वन, सो ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे सही बात है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब होता है अपने आप से कोई चीज होते रहना, फीडबैक इनिबिशन इज व्हेन द प्रोडक्ट विल कम एंड इनिबिट द एंजाइम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब, इसका आंसर दो, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। बी बता रहे हैं बच्चे, क्या बोला है, व्हेन द बैक्टीरिया आर ग्रोन इन ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडियम कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, मतलब हमारे मीडिया में क्या है, हमारे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है बट यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज डिप्लीटेड मीडिया है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज है। तो पूछा गया है कि अदर एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज ओपेरॉन जीन्स इज एक्टिवेटेड बाय, तो क्या आएगा इसका आंसर, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस केस में एलोलैक्टोज बनेगा, और अगर एलोलैक्टोज बन रहा है दिस विल वर्क एज एन इंड्यूसर, और ये क्या करेगा तो ये रिप्रेसर को डिसोसिएट करवाएगा,
ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा रिप्रेसर डिसोसिएशन, है ना। और अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है एंड दिस विल बेसिकली गो एंड बाइंड टू दी कैप, तो इससे हमारा जो एक्टिवेटर है ये भी प्रेजेंट रहता है। तो आप लोगों को कैसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे आपको ऐसा कुछ चीज मिले कि यहाँ पे एक्टिवेटर भी इसको काम, इसको हेल्प कर रहा है, इनहिबिटर भी यहाँ से हटा दिया गया है। पहला ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन ने क्या बोला है, बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर इन दी ऑपरेटर साइट एंड द कॉम्प्लेक्स इन कैप साइट। भैया अगर रिप्रेसर वहां पे ऑलरेडी बाउंड रहेगा ये नहीं हो सकता, बिकॉज अगर लैक्टोज है मतलब एलोलैक्टोज है, अगर एलोलैक्टोज है इसका मतलब एलोलैक्टोज क्या करवाएगा, तो ये करवाएगा डिसोसिएशन ऑफ दी रिप्रेसर, ठीक है। तो पहला तो नहीं हो सकता स्टेटमेंट। सेकेंड क्या बोला है, डिसोसिएशन ऑफ द रिप्रेसर, ठीक है, एंड बाइंडिंग ऑफ साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्प्लेक्स। हाँ तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दैट इफ द कंडीशन इज ग्लूकोज डिप्लीटेड एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। थर्ड में बोला है डिसोसिएशन ऑफ रिप्रेसर ओनली नहीं, एक्टिवेटर भी आके यहाँ पे अटैच होना चाहिए, डिसोसिएशन ऑफ बोथ रिप्रेसर फ्रॉम ऑपरेटर एंड साइक्लिक एएमपी कैप, नहीं दो दोनों नहीं होंगे, रिप्रेसर हटना चाहिए, साइक्लिक एएमपी कैप बाइंड होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर टू हियर इंडीड इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए, द लैक रिप्रेसर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए कॉर्ड, इन क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती है, जस्ट वेरी काम माइंड के साथ इसको पढ़ो सब समझ। समर सिंह ए, समर सिंह बी, लैक रिप्रेसर इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए, दे आर नॉट आस्किंग लैक रिप्रेसर कहाँ जाके बाइंड होने वाला है, ऑपरेटर इज द रीजन जहां पे रिप्रेसर बाइंड होता है ना, यहाँ पे रिप्रेसर हमारा बाइंड होता है, प्रमोटर वो रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता, इंड्यूसर एक हमारा ऐसा रीजन है इट बाइंड्स टू रिप्रेसर एंड कॉज इट्स डिसोसिएशन, बट जो जीन से हमारा रिप्रेसर बनेगा वो जीन कहलाता है बच्चों रेगुलेटर जीन, ओके, जिस जीन से बनने वाला है वो जीन कहलाता है हमारा रेगुलेटर जीन। सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जगह, इसका आंसर दो, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट इज ट्रू ऑफ ओपेरॉन्स। ओपेरॉन के बारे में कौन सी बातें यहां से सही है, ट्रू है, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। समर सिंह फोर, समर सिंह वन, समर सिंह थ्री, अरे अरे ये वापस से क्या हो गया, बहुत मुश्किल से सब लोग एक जगह पे आए थे। ओके इतने डाइवर्ट आंसर्स क्यों आ रहे बाबा, वन थ्री फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू ऑफ ओपेरॉन्स। अच्छा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोग, देखो ऑप्शन नंबर टू में क्या बोला गया है, ओनली जीन्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर प्रेजेंट इन ओपेरॉन्स, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी तो यहीं पे काम करता है, और ट्रिप्टोफैन तो कोई कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है ना। वन में क्या बोला गया है, फाइन रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ
इंडिविजुअल जीन्स आर मेड पॉसिबल बाय द ऑपेरॉन्स। तो हमने जितने ऑपेरॉन्स पढ़े हैं, क्या वहां पे हम एक जीन को कंट्रोल किए कहीं पे भी? कहीं पे लैग जेड वाई ए तीनों एक साथ कंट्रोल कर रहे थे, एरा बी एरा ए एरा डी सबको एक साथ कंट्रोल कर रहे थे, ट्रिप ए बी सी डी ई सबको एक साथ कंट्रोल कर रहे थे, तो हम इंडिविजुअल जीन्स को भी कंट्रोल नहीं करते, वी डू नॉट कंट्रोल। हालांकि वो सब सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं किसी एक फंक्शन में, बट हर जीन का एक्सप्रेशन हम लोग ऑपेरॉन से कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, हर चीज को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। इन केस ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, इंड्यूसर बाइंड्स टू ऑपरेटर या इंड्यूसर बाइंड्स टू रिप्रेसर। कहाँ बाइंड होता है? आके इंड्यूसर बाइंड होता है रिप्रेसर से, ना कि ऑपरेटर से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थ्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और गलत क्यों है, समझ में आया? इंड्यूसर जो है बच्चों को जाके रिप्रेसर को बाइंड होता है, हमने सब जगह पे देखा है। लैक्टोज बाइंड्स टू द लैक आई, देन हमारा जो ट्रिप्टोफैन है वो भी इंड्यूसर बाइंड करता है रिप्रेसर को, तो ये सारे रिप्रेसर को बाइंड करेंगे, रिप्रेसर फिर जाके बाइंड करेगा हमारे ऑपरेटर। ठीक है, एक्सप्लेन ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री में क्या बोला है? फीडबैक इनिबिशन ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ मल्टीपल एंजाइम बाय अ सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल इज मेड पॉसिबल बाय द ऑपेरॉन्स। हाँ, फीडबैक इनिबिशन अगर हमको करना है बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स का वगैरह, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग ऑपेरॉन से कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलोलैक्टोज को यूज कर रहे हैं जो एक हमारा छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब ट्रिप्टोफैन का एग्जाम्पल ले लो, अगर ट्रिप्टोफैन बहुत सारा बन चुका है बॉडी में, तब हमको और नहीं बनाना है, तो ये क्या है? ये हमारा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट खुद क्या करेगा? आके खुद के सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। कैसे करेगा? आके बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर को। सो स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रिप्टोफैन इज परफॉर्मिंग फीडबैक इनिबिशन ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ मल्टीपल एंजाइम्स दैट इज ट्रिप ए बी सी डी। ठीक है, प्रथम, इज दिस क्लियर? सो थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि फीडबैक इनिबिशन अपने ट्रिप्टोफैन में डिस्कस की हुई है। बात आई समझ में सभी को? ओके, चलो ये बताओ, मैंने क्वेश्चन थोड़े से मिक्स रखे हैं। ठीक है, पहले थोड़े से ऑपेरॉन है, फिर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में ऑपेरॉन वापस से आएगा, क्योंकि एक साथ में सारे ऑपेरॉन करेंगे तो आप लोग फिर और टेंशन में आ जाओगे। हम थोड़े इजी डिफिकल्ट करते चलेंगे। ओके, और जहां पे मुझे लगेगा आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे ट्रिप्टोफैन का ऑपेरॉन मुझे पता था आपको समझाना है, तो मैंने उसके स्लाइड्स लाए हैं। आप लोगों को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी वहां से होगी, कोई दिक्कत रहेगी तो आप बताना मुझे, हम उसको रिपीट कर लेंगे। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है, ये सब बातें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे वन शॉट रिविजन सेशन के अंदर। जो पार्ट पेंडिंग था एज प्रोमिस्ड बाई मी कि मैं वो टॉपिक्स आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दूंगी, तो मैं आपको वो करवा दूंगी। बहुत इजी आएगा अकेडमी में, उससे इजी को पेपर नहीं आएगा। मेरे बोलने से चीजें होती ना, तो फिर तो बाप रे, तुम सब आईआईटी में होते। अगर मेरे बोलने से चीजें होती है, एडमिट कार्ड कल आएगा, पेपर ऐसा आएगा, कट ऑफ इतना जाएगा, ड्यू इतने में जाएगा, मेरे बोलने से चीजें थोड़ी होती है। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लेके मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। कहाँ से दिख रहा है तुमको मोटा या पतला? क्या लिख रहे हो तुम यार? ये कैमरे को क्या हो रहा है इस बार? चलो ठीक, ये हो जाएगा थोड़ी देर में। क्या बोला गया क्वेश्चन में? अ म्यूटेशन ऑकर्स इन द लैक रिप्रेसर प्रोटीन सच दैट इट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द लैक्टोज। अगर हम बात करते हैं बच्चों म्यूटेशन की, सपोज हमारे रिप्रेसर में कैसा म्यूटेशन आया, ठीक है, हमारे लैक रिप्रेसर में कैसा म्यूटेशन आया है कि अभी वो लैक्टोज को बाइंड नहीं हो सकता। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इफेक्ट विल दिस म्यूटेशन हैव ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द लैक ऑपेरॉन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा, रिप्रेसर हमारा कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। डू यू अग्री? इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में रिप्रेसर हमारा
कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा हमारे ऑपेरॉन से। अगर रिप्रेसर डिसोसिएट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सप्रेशन है स्ट्रक्चरल जीन्स का वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर टू हियर इज द करेक्ट आंसर। अगला ट्राई करो। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज नेगेटिव, है ना। क्या बोला गया है, तो लैक ओपेरॉन का जो रेगुलेशन रहता है ये नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन इज ब्लॉक्ड बाय एन एक्टिव। ठीक है, अगला सवाल। एक्चुअली आर यू हियर टू स्टडी, डोंट ट्रबल एनीवन और माइसेल्फ, तंग मत करो आप किसी को, पढ़ना है प्लीज मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़ना है तो मैं आपको, मुझे ब्लॉक करने को आप 5 सेकंड लगेंगे हार्डली, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज बच्चों को पढ़ने दो आराम से, आप भी पढ़ो। बताइए कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है प्रिया ऑलवेज प्रेशर, इसका मतलब होता है कि ये किसी के भी काबू में नहीं है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसका हमेशा एक्सप्रेशन हो रहा है, दैट इज द मीनिंग। समर सिंह बी, समर सिंह सी, थर्ड ऑप्शन। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो हम लोगों को उन्होंने कुछ जीनोटाइप मेंशन किए हैं, बोला गया है कि लैक ओपेरॉन के एंजाइम्स है, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स ऑफ लैक ओपेरॉन एंजाइम सिंथेसिस हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, मतलब हमेशा सिंथेसिस होते रहेगा। तो पहले केस में क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे आई भी है, मतलब रिप्रेसर भी है, ऑपरेटर भी है, तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड हो सकता है, रिप्रेसर ऑपरेटर से डिसोसिएट हो सकता है, तो ये हमारा एक तरीके का इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, तो ये एक तरीके का इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन है कि रिप्रेसर बाइंड है नहीं है वो कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज एन इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी की, तो बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है कि यहाँ पे लैक आए तो प्रेजेंट है, मतलब हमारा रिप्रेसर यहाँ पे प्रेजेंट है, बट हमारा जो ऑपरेटर है ये क्या है बच्चों, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर, इसका मतलब एक ऐसा ऑपरेटर होता है बच्चों जहां पे लैक आ जाके बाइंड नहीं हो सकता है। व्हाट इफ हमारे जीन सीक्वेंस में कुछ एक ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट है कि उस जगह पे ऑपरेटर आके बाइंड नहीं हो सकता है, और अगर ऑपरेटर सॉरी उस जगह पे रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हो सकता है, तो इफ अ रिप्रेसर कैन नॉट कम एंड बाइंड टू द ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा, रिप्रेसर यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। अगर कोई कंट्रोल नहीं है मतलब यहाँ पे होगा ऑलवेज एक्सप्रेशन, मीन्स यहाँ पे होने वाला है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी में क्या दिख रहा है, डी में दिख रहा है कि यहाँ पे लैक आय है ही नहीं, है ना, यहाँ पे लैक आय माइनस बता रहा है, मतलब यहाँ पे रिप्रेसर वाले जीन में ही म्यूटेशन है, इसका मतलब हमें रिप्रेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे रिप्रेसर काम ही नहीं कर पाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो आके ऑपरेटर को बाइंड होगा नहीं, और अगर वो आके बाइंड नहीं होगा तो इस केस में भी हमको देखने को मिलता है ऑलवेज एक्सप्रेशन, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन।
है. सो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी में क्या दिया है कि यहाँ पे भी आपको दिया है कि लास्ट आई माइनस है, ऑपरेटर फंक्शनल है, जेड फंक्शनल है, वाई फंक्शनल है, आई फंक्शनल है, ओ फंक्शनल है, जेड फंक्शनल है और वाई फंक्शनल है. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा कि लैक आई इस ऑपरेटर को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब जेड और वाई यहाँ पे कंट्रोल में है. अब ये वाले जीन में हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ का जो भी ट्रांसएक्टिंग एलिमेंट है, जो यहाँ का लैक आई है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है. बट देन व्हाट विल हैपन, ये आई आके हमारे इस ऑपरेटर को बाइंड हो सकता है और उसका रेगुलेशन और उसका कंट्रोल करवा सकता है. सो दैट विल कम एंड दैट विल कॉल कॉज ऑल द रेगुलेशन एंड कंट्रोल. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वॉट, दिस इज ऑल्सो एन इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन. ठीक है, यस वी कैन डू दैट सुब्रता, डेफिनेटली वी कैन डू. यू कैन आर्टिफिशियली म्यूटेड ऑपरेटर, या फिर आप ये भी तो कर सकते हो, ऑपरेटर को हटा ही दो ना वहां से. हम कटिंग कर सकते हैं, कट करके हम सिर्फ गैरेट का जीन ही ले लें. अगर उतना ही जीन को आप कहीं पे वेक्टर में ऐड कर देते हो, तो वहां पे तो रेगुलेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हम होता रहेगा. थैंक यू निशांत फॉर योर कॉमेंट. थोड़ा मुश्किल है वर्तिका, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह थोड़ा मुश्किल. ओके चल, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम में आपको यहीं से घुमा फिरा कर पूछते हैं, एग्जाम में आपको इसी को फिर उल्टा सीधा कुछ ना कुछ करके पूछते हैं. चलो अगला सवाल. हाँ ये बताओ, आंसर दिस क्वेश्चन. थ्री, सम आर सेइंग थ्री, सम आर सेइंग वन. जिन्होंने वन बताया था, वेरी मच श्योर कि आपने ट्रू स्टेटमेंट बताया था. पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट दी लैक्टोज ओपेरॉन. तो अगर हम बात करते हैं बच्चों लैक ओपेरॉन की, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, जेकब एंड मोनोड ने डिस्कवर किया था. यही सही बात है. इट हैज थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स, ये बात भी बिल्कुल सही है. कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है लैक जेड, एक होता है लैक वाई और तीसरा होता है लैक ए. जेड क्या करता है, कोड करता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस. लैक वाई कोड्स फॉर द एंजाइम लैक्टोज परमेज. And lac A codes for the enzyme trans acetylase. ठीक है, so yes it has three structural genes. ये बात भी हमारी सही है. Cyclic AMP and CAP they exert a negative regulatory effect. ये क्या होते हैं, तो ये तो हमारे activators होते हैं, तो negative effect नहीं डालेंगे बच्चों, ये डालते हैं positive regulatory effect. और फोर्थ में क्या दिया है, रिप्रेसर बाउंड टू ऑपरेटर साइट डज नॉट अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन. तो ये बात सही है कि अगर रिप्रेसर बाइंड रहेगा ऑपरेटर को, तो इस केस में हमारा ओपेरॉन का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. सो अदर्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर थ्री हियर इज द फॉल्स स्टेटमेंट. चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ओपेरॉन पढ़ लिया आपने, आएंगे दोबारा ओपेरॉन पे. चलो थोड़ी बार ट्रांसलेशन की कर लीजिए. Which of the following is not involved in the translation? Ribosome of course involved होता है, mRNA of course involved होगा, उसके ऊपर आकर ribosome attach होता है, तो of course ribosome is also part of the translation. Then यहाँ पे tRNA आता है, ये भी of course part होता है हमारे translation का. But अगर हम बात करते हैं spliceosome की, तो ये क्या होता है spliceosome, spliceosome जो रहता है
ये काम आता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में, इट इज अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इंट्रॉन स्प्लाइसिंग. मतलब ये कहाँ पे काम आने वाले हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का, मतलब दे आर यूजफुल इन दी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर टू इज दी करेक्ट. देखो 240 मार्क्स का पेपर है, टू बी ऑन दी सेफर साइड 200 प्लस टारगेट, 200 मार्क टारगेट करो और आ जाते हैं 200 प्लस स्कोर आता है बच्चों, टारगेट 200 प्लस मार्क. विच पार्ट ऑफ जीनोमिक डीएनए कंटेन्स द सीक्वेंस करिस्पॉन्डिंग टू दी फाइव प्राइम न्यूक्लियर रीजन. मोल बार में से अप्रोक्सीमेटली 8 questions, अप्रोक्स 8 questions. क्या होता है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द जीनोमिक डीएनए कंटेन्स सीक्वेंस करिस्पॉन्डिंग टू दी 5' क्यूटीआर रीजन. तो ये हमारे एग्जॉन्स में आएगा, है ना. एग्जॉन आपके अनट्रांसलेटेड का मतलब क्या है, विच पार्ट ऑफ द जीनोमिक डीएनए कंटेन्स अ सीक्वेंस. ओके, इसको एक बार का रहने दो. ठीक है, इसको एक बार का रहने दो, इसमें कुछ मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. इसको ट्राई करो, मैं चेक करती हूँ क्वेश्चन को, तब तक इसको ट्राई करो. ठीक है, प्रोबेबली इसका आंसर एग्जॉन है, बट विल चेक इट. ये बताइए बताइए, अरे बाबा, चलो मूव ऑन करो. मेक अ प्रोटीन फ्रॉम अ जीन इन यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व्स. यस राज, दैट्स व्हाई आई सेड, नहीं पर चेक कर लेंगे उसको, दिक्कत नहीं. आएगा इसका आंसर, डी. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए तो नहीं होगा, पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए, ये सारा कहाँ पे होता है, ये सारा का सारा न्यूक्लियस में होता है. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन है कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, जो डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, उसमें पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. तो उस न्यूक्लियर पोर से हमारा एमआरएनए इस तरीके से सर्कुलर मैनर में बाहर निकलता है और फिर उस आरएनए का ट्रांसलेशन किया जाता है. हाँ, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी बोल सकते हैं. ठीक है, सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. हाँ, तो ट्राई करो. Which of the following mRNA would form the most stable stem loop structure? सबसे stable stem loop structure इनमें से कहाँ हो? पीसीएम के लिए भी तो हो रहा है बच्चे सेशंस, हो रहा है पीसीएम के लिए भी हो रहा है.
आर सेइंग बी, सम आर सेइंग डी. देखो अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो तो क्या होना चाहिए, ये अगर 5 प्राइम है 3 प्राइम है तो स्टेम्बल स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ जी जी सी यू यू तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी सी जी ए ए. तो 3 प्राइम एंड से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करूँ तो सी सी जी ए ए आना चाहिए. सो व्हाट इज द आंसर, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो इसको ट्राई करो. रजत क्या हुआ, देखो आप एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर की बात करो, सपोज कुछ इस तरीके से हमारा हेयर पिन लूप बन रहा है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे एमआरएनए का, तो क्या होना चाहिए इसमें, एक 5 प्राइम एंड होगा एक 3 प्राइम एंड होगा. एक हमारे पास कोई ऐसा ही एमआरएनए है और वो एमआरएनए स्ट्रक्चर क्यों बनाएगा, बिकॉज उनमें आपस में जो बेसिस रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री रहे होंगे. तो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि जी जी सी यू यू है, मतलब 5 प्राइम एंड है उसके आगे जी है, फिर एक और जी है, फिर सी है, फिर यू है और फिर एक और बार यू है. अब आप सोचो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा, तो जी के आगे क्या आना चाहिए, जी के आगे सी आना चाहिए, जी के आगे सी आना चाहिए, सी के आगे जी आना चाहिए, यू के आगे ए आना चाहिए, यू के आगे ए आना चाहिए. सो हमारा ये एमआरएनए कैसे होगा, हमारा एमआरएनए 5 प्राइम एंड यहाँ पे जी जी सी यू यू, और जो 3 प्राइम एंड है वहां पे क्या रहेगा, सी सी जी ए ए, मतलब सी सी जी ए. ऐसा अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू नाउ? ओके अच्छा ये बताओ, हम लोग प्रोटीन्स पे बहुत बार कोवालेंट मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स पे परफॉर्म करते हैं, समटाइम्स वी परफॉर्म फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, राइबोसाइलेशन, इस तरीके से. पूछा गया है कि अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसलेशनल फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स की तो ये किस पे किया जाता है, फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट हम लोग किस अमाइनो एसिड पे करते हैं, किस पे करते हैं, फिनिल एलानिन पे तो नहीं करते हैं, सीरीन पे करते हैं, थ्रियोनिन पे करते हैं, एंड आई थिंक यस एवरीवन गिव मी द करेक्ट आंसर एंड टायरोसिन. ठीक है चल ये बताओ, द एस इन दी राइबोसोमल सब यूनिट रिप्रेजेंट्स व्हाट, हम लिखते हैं ना 70S, 80S, यस 50S, सो क्या आएगा इसका आंसर, क्यों है ये, बिकॉज ऑफ दे आर दी डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट्स. तो यस ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, दैट इज डिफरेंशियल सेडिमेंटेशन रेट होता है इनका ड्यूरिंग दी सेंट्रीफ्यूगेशन, जब सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया जाता है तो दे सेडिमेंट एट डिफरेंट डिफरेंट रेट्स, स्वेट पर कॉन्स्टेंट. हाँ जी चलो ये बताओ, ये बताइए आपका सेल बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग वाला पार्ट मोहित सर लेने वाले हैं. द इनिशिएशन ऑफ टू राइबोसोमल सब यूनिट कंबाइंड विद एमआरएनए है ना, तो अगर हम बात करते हैं हमारे इनिशिएशन वाले स्टेप की तो वहां पे हमारा जो 2 राइबोसोम का सब यूनिट रहेगा, अगर प्रोकैरियोट है तो 50S एंड 30S ये कंबाइंड होते हैं विद दी टीआरएनए है ना. तो कौन सा टीआरएनए रहता है, ये रहता है हमारा मिथियोनिन चार्ज टीआरएनए, बिकॉज मिथियोनिन जो है ये हमारा
इनिशिएशन वाला अमाइनो एसिड है ना, दिस इज द अमाइनो एसिड फॉर इनिशिएशन। ठीक है, चल ये बताओ, रीड इट केयरफुली। हार्ड क्वेश्चन है आज, फिर आप कभी तो आप लोग बोलते हो हम इतना इजी पूछेंगे एग्जाम में, मैंने कहा थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, थोड़ा सा फिर हार्ड क्वेश्चन है। प्रिया आई डोंट नो व्हाई मैंने इसको किसी और फॉन्ट पे रखा था, ये यहाँ पे आपको अलग से अपना ही फॉन्ट ले लेता है। आई हैड केप्ट दिस फॉन्ट फॉर ऑल दी स्लाइड्स, इसमें ना कुछ अपने आप से AI चलता है। चलो क्या बोला है, अ डिलीशन ऑफ दी थ्री कॉन्जिक्यूटिव बेस, ठीक है, अ डिलीशन ऑफ दी थ्री कॉन्जिक्यूटिव बेस इन द रीजन ऑफ अ जीन कैन नॉट रिजल्ट इन व्हाट। अगर तीन बेसेस कंटिन्यूसली डिलीट हो गए, हमारे पास में mRNA है, ठीक है, हमारे पास एक mRNA है जिसमें बहुत सारे कोडॉन्स है, जिसमें बहुत सारे लाइन्स है हमारे ये बेसिस प्रेजेंट, अगर उनमें से किसी एक जगह पे डिलीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा ये पूछा, सॉरी उसमें से अगर तीन बेस हमारे डिलीट हो जाए तो क्या हो जाएगा ये हमको यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, सो पहला क्या बोला है, डिलीशन ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड विदाउट एनी अदर चेंज इन द प्रोटीन। ठीक है, तो क्या बोला है कि यहाँ पे पूरा प्रोटीन तो चेंज नहीं होगा पर यहाँ पे एक अमाइनो एसिड में चेंज आएगा। सेकंड क्या बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड, टू एडजेसेंट अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाएंगे, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थर्ड में क्या बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल अमाइनो एसिड बाय अनदर without any other change in the sequence of the protein, and fourth में बोला गया है production of a truncated protein, बोला गया है production of a truncated protein, so इसका answer actually four नहीं होगा, इसका answer one ही होगा। ठीक है, देखो truncated protein का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों small protein बनना, ट्रंकेटेड प्रोटीन का मतलब होता है टू फॉर्म अ स्मॉल प्रोटीन। अब अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या बोला गया, तीन बेसिस के डिलीट होने से क्या होता है, तीन बेस के डिलीट होने से एक अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएगा, बाकी प्रोटीन में जो भी कोडॉन्स होंगे, जो भी अमाइनो एसिड्स होंगे, वो तो वैसे के वैसे ही यहाँ पे कोड होने वाले हैं। फोर्थ में बोला गया प्रोडक्शन ऑफ ट्रंकेटेड प्रोटीन, ट्रंकेटेड का मतलब होता है शॉर्ट प्रोटीन। अगर सपोज ऐसा हो जाए, एक सेकेंड कैनॉट पूछा है, थैंक यू प्रिया, हाँ रुको, हाँ फिर तो फोर आ सकता है, हाँ फिर तो फोर आ सकता है, क्योंकि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो हाँ गड़बड़ हो रहा है, इंसान है भाई। ठीक है, तो पहला तो हो सकता है, मैंने कैन पढ़ा तो शायद मैंने भी इसलिए फर्स्ट को सही बोला क्योंकि फर्स्ट है। फोर्थ में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रंकेटेड प्रोटीन, ट्रंकेटेड का मतलब होता है शॉर्ट प्रोटीन और स्मॉल प्रोटीन, और ये कब होता है, ये तब होता है यूजुअली जब नॉनसेंस म्यूटेशन होता है। ओके, इफ देयर इज सपोज नॉनसेंस म्यूटेशन, तो नॉनसेंस म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कभी भी बीच में अचानक से स्टॉप कोडॉन आ जाता है, और अगर बीच में स्टॉप, सपोज वहां पे हमारा जो कोडॉन है वो है AAG, अगर एक म्यूटेशन आ गया एंड दिस ए गॉट कन्वर्टेड टू यू, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा UAG, अगर UAG बन गया तो स्टॉप कोडॉन आ गया, तो आपके mRNA में बीच में अगर स्टॉप कोडॉन आ जाए तो उस स्टॉप कोडॉन के आने की वजह से क्या हो सकता है, हमारा छोटा सा ही mRNA का ट्रांसलेशन हो पाएगा, बाकी mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस बेसिकली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रंकेटेड प्रोटीन, सो ऑप्शन नंबर फोर हमारा यहाँ पे सही। ठीक है, इज दिस क्लियर, यस प्रवीण यू कैन आस्क, हाँ
हाँ भाई, गुरु से भी तो एरर, इंसान है यार, इंसानों से गलती होती है, ह्यूमन एरर। कौन है जो गलतियां नहीं करता, हर कोई गलती करता है। और द वन हु एडमिट्स द मिस्टेक एंड करेक्ट्स इट इज अ गुड पर्सन, है ना। जो गलती को मानते ही नहीं है वो फिर नहीं ठीक इंसान। एक्सेप्ट करो मिस्टेक को, उसको सुधारो, नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि ऐसा ना करो। अब शायद मैं अगले क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं ध्यान से पढ़ूंगी कैन और कैन नॉट, है ना। ए भगवान से कंपैरिजन मत करना, चलो पढ़ाई करो। द TATAAA और TAA और T सीक्वेंस प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड से क्या, मेरे को क्या हो रहा है। अगर आपको आगे बॉटनी में मास्टर्स करने हैं तो बॉटनी क्यों स्किप करना है? आपने कहा कि सब्जेक्ट छोड़ना है तो मैं बॉटनी स्किप करूंगा, तो सीयूटी के फॉर्म में बॉटनी बनना जरूरी है। अगर आपको आगे बॉटनी पढ़ना है तो बॉटनी रखो, अभी नहीं पढ़ना है आगे तो आप स्किप कर सकते हो। दैट एक सीक्वेंस बताया है, प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्रमोटर इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इनिशियली बाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो कौन आके बाइंड होता है हमारे टाटा बॉक्स, किसने मेरे साथ में वन फ्रंट रिविजन अटेंड किया है, उनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हमने आधे पढ़ा था, सबसे पहले TF2D आता है, TF2D आके एक प्लेटफॉर्म बनाता था। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद क्या होता था, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में यहाँ पे TF2A आता था और A आके B को स्टेबिलाईज करता था। फिर यहाँ पे हमारा B आता था और B क्या करता था, तो TF2B आके एक ब्रिज का काम करता था। फिर TF2F क्या करता था, तो TF2F जो है वो लेके आता था यहाँ पे पॉलीमरेज को रिक्रूट करता था। उसके बाद में आते यहाँ पे आते थे हमारे और दो फैक्टर्स, कौन कौन से दो फैक्टर्स, तो फिर यहाँ पे आते थे हमारे, एक तो आता था E और एक आता था H, है ना। ए का काम होता था कंट्रोल करना, दूसरे के पास में सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, ठीक है। सो हमारा जो TF2D है ये आके बाइंड होता था टाटा बॉक्स को, बिकॉज TF2D का जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें प्रेजेंट रहता था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। तो अगर हम बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, तो यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड होते थे, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स आके बाइंड होते थे, तो ये सारे फैक्टर्स से मिलके बनता था हमारा TF2। सो यस दे विल कम एंड बाइंड टू द टाटा बॉक्स, ठीक है। चल ये बताओ, इसका आंसर दो। क्या है इसका आंसर? बी बता रहे हैं बच्चे। mRNA will form hybrid only with the coding strand of DNA, है ना, क्या बोला गया है। तो mRNA क्या करता है, mRNA बनाता है hybrid only with the coding strand of DNA। Why? क्यों ऐसा? क्योंकि mRNA क्या करता है, mRNA फॉलो करता है बच्चों बेस पेयरिंग रूल, है ना। अगर हमारे पास में ये mRNA है, अगर हमारे पास में ये mRNA है और उस पे ये RNA पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा है, तो जो उससे DNA से हमारा जब RNA बनने वाला है, तो ये mRNA कैसे होते हैं बच्चों, ये जो mRNA होते हैं ये आपस में
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे ये, ठीक है. सो बिकॉज दे फॉलो द बेस पेयरिंग रूल, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, एमआरएनए हाइब्रिड बना सकता है डीएनए. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर बताइए. इसका आंसर क्या होगा? और the primary transcript of the chicken ovalbumin gene is 7700 nucleotides long, but the mature mRNA that is transcribed into ribosome, है ना, जो transcript gene बोला है, gene का length था हमारा 7000 के ऊपर है, पर हमारा जो mature mRNA है, इसका size काफी छोटा बताया गया, it is only 1872 nucleotides long. पूछा गया है, ये size difference जो है प्राइमरीली किस वजह से है, ये साइज डिफरेंस हमको किस वजह से देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ से हट गया होगा? तो कैपिंग करने से तो साइज छोटा होगा नहीं, क्लीवेज ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, आई डोंट थिंक सो, रिमूवल ऑफ पॉली ए टेल्स, नहीं, पॉली ए टेल्स जो है वो तो ऐड होते हैं आरएनए में, बट अगर हम बात करते हैं इंट्रॉन्स की तो ये बात सही है, बिकॉज हमारे डीएनए में खूब सारा जंक डीएनए होता है, खूब सारा इंट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और इस इंट्रॉन से कोई भी कोडिंग सीक्वेंस नहीं बनता, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही है. इसका आंसर बताइए. बहुत अच्छे, अरे मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है? इज दिस क्वेश्चन करेक्ट और इज दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट? इज दिस क्वेश्चन करेक्ट और इज दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. व्हाट इनकरेक्ट? करेक्ट. आरएनए पॉलीमरेज 2 कब से प्रोकैरियोट्स के पास होने लगा? प्रोकैरियोट्स दे ओनली हैव वन आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स वी हैव आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3. ये हमारे नखरे होते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है. सो ये क्वेश्चन में आपको प्रोकैरियोट्स नहीं देना चाहिए था, आपको यहां पे यूकैरियोट्स देना चाहिए, एंड देन द आंसर हियर विल बी अल्फा अमाइनिटी. बिकॉज प्रोकैरियोट्स के इनहिबिटर्स कौन से हैं? तो रिफैम्पिसिन इज एन इनहिबिटर ऑफ प्रोकैरियोट्स, एक्टिनोमाइसिन इनहिबिटर ऑफ दीस प्रोकैरियोट्स, स्ट्रेप्टोलाइडोजेन ये सारे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के इनहिबिटर्स हैं, उसके भी स्पेसिफिकली बीटा सब यूनिट के, स्पेसिफिकली बीटा सबयूनिट, ठीक है. कौन बनाता है ये क्वेश्चन, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है. क्लियर टू एवरीवन? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है बाबा, यू हैव टू फेस योर एग्जाम, है ना, एग्जाम तो आपको फेस करनी है, क्या हो जाएगा? मैं गलती मान रही हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बट मुझे बताओ अगर मैं आपको गलत बता के चली जाती तो वो ज्यादा गलत होता ना, मैं तो आपको बता रही हूँ, ये तो मुझे आपने बोला नहीं था मैम आपने क्वेश्चन गलत लिखा है. देखो चलो कहेंगे पे आई डोंट एक्सपेक्ट कि चलो इतना आपको लेवल, बट ये तो आपको पता होना चाहिए था मैम पॉलीमरेज 2 कब से आगे प्रोकैरियोट्स, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ जो मुझे गड़बड़ दिखता मैं आपको इमीडिएटली बोलती थी. एनटीए में मानते हैं बाबा ऐसे बताओ मत, ठीक है, घबराना नहीं है, आपने पढ़ाई कर ली है, कुछ नहीं हो सकता,
जितना आता है उतना आता है, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस ट्राई करो, पेपर सॉल्व करो, जो भी सेशंस हो रहे हैं वाईटी पे उनको अटेंड करो, देखो क्या सही आंसर है, कैसे उसको अटेंड करना है, गो फॉर इट, इट्स फाइन, कोई टेंशन वाली बात। अरे बाबा ऐसे ना करो, क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि एमआरएनए को हमको ट्रांसपोर्ट करना है कहां से कहां, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, तो कैसे किया जाता है, दे इट इन्वॉल्व्स पैसेज टू दी न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, है ना। अच्छा कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे हम कौन सा जी प्रोटीन यूज करते हैं, RAN, RAB, RO, RAS, कौन सा जी प्रोटीन यूज करते हैं, विच जी प्रोटीन वी यूज, ही कोई RAB बोल रहा है, कोई RAN बोल रहा है, देखो RO इज यूज फॉर द साइटोस्केलेटन, RAS आपके सेल साइकिल का पार्ट होता है, RAB एंड RAN में से ही कुछ हो सकता है, RAB जो होता है ना, RAB इज यूज्ड इन दी वेसिकल ट्रैफिक, है ना, RAB जो रहता है वो हम लोग वेसिकल ट्रैफिक में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्रोटीन है जो ER में बना है, उस प्रोटीन को हमको गोल्जी तक लेके जाना है, सो ER टू गोल्जी जाने में वहां पे RAB हेल्प करता है, ठीक है, सो वो रैप हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं RAN की, तो RAN जो है ये आपके mRNA के साथ में, या फिर हमारे जो mRNA होंगे या जो प्रोटीन जिसको आपको बाहर से अंदर लाना है, अंदर से कुछ चीज बाहर लेके जानी है, उन सबके साथ में कुछ प्रोटीन इंट्रा करते हैं, कॉल्ड एज इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन, आपको सर पढ़ाएंगे कल जब आपको सेल बायोलॉजी करवाएंगे तो उसमें याद रखना कि इम्पोर्टिन एक्सपोर्टिन के साथ में RAN काम करता है, ठीक है। अगला सवाल, रवि ने सवाल आप कल सर से पूछा, आपको सर्कल कराएंगे जब न्यूक्लियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कल है आपका शायद, आई नॉट श्योर, पर कल या परसों कभी तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आरएनए सर्व्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए एंड अदर आरएनए, क्या कहलाएगा ये भाई, एस एन आरएनए का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर, अच्छा बता रहे हो, ये तो हम स्प्लाइसिंग में यूज करते हैं, एच एन आर एन ए का मतलब होता है हेटरोजीनस आरएनए, और जो हेटरोजीनस आरएनए होता है इसी को फर्दर ब्रेक कर करके हमारा मैच्योर आरएनए बनता है, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को तो यूज करते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में, दे आर यूज इन दी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। एंड scRNA का मतलब होता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये हमारे ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, आपको याद है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो रहता है उनके पास में ये scRNA प्रेजेंट रहता है। सो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए सर्व्स एज प्रीकर्सर, तो प्रीकर्सर का आंसर होगा हमारा हेटरोजीनस आरएनए, ये बताइए। When a number of genes are transcribed as one mRNA, such mRNA is termed as what? अगर एक mRNA से बहुत सारे जीन्स बन रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए,
पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, मल्टीपल जीन्स आर प्रेजेंट एडजेसेंटली, जैसे कि लैक्टोजोपरॉन ट्रिप्टोफैन वगैरह में देखने को। ये बताइए, जस्ट ड्रिंक वाटर, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं समझा, मैं हूं ना। चलो, many of you are responding, some are saying one, some are saying two. Let's try to answer it. Okay? क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है दैट यू ट्रांसक्राइब mRNA फ्रॉम अ डीएनए सैंपल। हमारे पास में कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा और हमने क्या किया, तो हमने उससे एमआरएनए का सिंथेसिस किया। ओके, नाउ यू देन सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। हमने क्या किया, यू ट्रांसक्राइब एमआरएनए फ्रॉम डीएनए सैंपल, प्यूरिफाई, ठीक है। यू देन सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, हमने फिर उसको भी सेपरेट कर दिया, क्यों किया, चलो ठीक है। Analyze the base composition of each strand of the mRNA. You obtain the data shown in the table below. Which strand of the DNA serving as template for mRNA? अच्छा, ठीक है, समझाए क्वेश्चन। हमने क्या किया, आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। हमने क्या किया, हमने उससे mRNA का सिंथेसिस किया। अब हमने क्या किया, हमने इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को, सपोज ये स्ट्रैंड वन है, ये स्ट्रैंड टू है, तो हमने स्ट्रैंड वन को भी सेपरेट कर दिया, हमने स्ट्रैंड टू को भी सेपरेट कर लिया, और हमारे पास में हमारा mRNA भी है, हमारे पास में हमारा ये mRNA भी प्रेजेंट है। अब हमने इनके बेस कॉम्पोजिशंस को चेक किया, हमने क्या किया, तो हमने इनके बेस कॉम्पोजिशंस को चेक किया। पूछा गया है विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। अब हमको दोनों स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन दी है, हमको स्ट्रैंड वन, स्ट्रैंड टू और एमआरएनए, आपको तीनों का इंफॉर्मेशन दिया है, कितने प्यूरिन से कितने पिरिमिडिन से। आपको बताना है कि एमआरएनए स्ट्रैंड वन से बना है या स्ट्रैंड टू से बना है। अब मुझे बताओ, सपोज एमआरएनए में हमारा guanine कंटेंट 30% है, सपोज mRNA में हमारा guanine कंटेंट 30% है, तो उसका जो टेम्पलेट रहेगा, उसका जो टेम्पलेट रहेगा, वहां पे साइटोसिन 30% होना चाहिए कि वहां पे guanine 30% होना चाहिए। हमारे अगर mRNA में, ठीक है, हमारे mRNA में अगर guanine 30% है, तो उसका जो टेम्पलेट रहेगा उसमें साइटोसिन 30% होगा कि गुआनिन 30% होगा, साइटोसिन। तो आपको लॉजिक समझ में आया, अगर मेरे एमआरएनए में सपोज गुआनिन कंटेंट 40% है, तो उसके टेम्पलेट में हमारा साइटोसिन 40% होना चाहिए। अगर साइटोसिन कंटेंट 40% है, तो गुआनिन कंटेंट शुड बी 40% और साइटोसिन शुड बी 40%। इस केस में क्या हो जाएगा, हमको याद रखना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है उससे हम लोगों को मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे इसको, तो देखा जाए तो एमआरएनए में 19% क्या है, एडेनिन है। अगर हमारे एमआरएनए में 19% एडेनिन है, ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब टेम्पलेट में 19% एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री रहा होगा, मतलब टेम्पलेट में 19% थायमिन रहा होगा, तब जाके तो आएगा।
अगर हमारे mRNA में 25% के आसपास guanine है, ये तब आएगा जब इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड में कम से कम 25% साइटोसिन होगा। अगर हमारे mRNA में लगभग 30% के आसपास साइटोसिन है तो इसका जो टेम्पलेट होगा उसके पास क्या होगा, उसके पास लगभग 30% के आसपास में guanine होना चाहिए। हमारे mRNA में थायमिन, अगर हम mRNA में बात करते हो थायमिन तो ऑफ कोर्स रहेगा नहीं, यहाँ पे यूरासिल रहेगा और यूरासिल जितना भी रहेगा उतना ही कंटेंट हमारे एडेनिन का होना चाहिए हमारे टेम्पलेट में, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, स्ट्रैंड टू, बिकॉज याद रखना है सिंथेसिस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से होता है ना, सिंथेसिस कैसे होता है, सिंथेसिस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा कभी, वो कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से होता है। क्लियर टू एवरीवन, क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो इतनी बात समझ में आई सभी को, क्लियर। क्वेश्चन डिफिकल्ट था ये, वॉज दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट, नॉट सर्विंग एज टेम्पलेट पढ़ लिया, कोई बात, इंसान है हम सब, इजी था, लॉजिकल था, गुड। क्लास क्वेश्चन योर क्लास, ओके सो सी एग्जाम में याद रखना कि क्वेश्चन को देख के एकदम से जज मत कर लेना, एक बार इसको थोड़ा सा रीड कर लेना, अगर आपको समझ में इजीली आ जाएगा गो फॉर इट, अगर नहीं आएगा तो रह देना, आया था टेपर में, ओके ग्रेट। तो देखो लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, आपका शारदा रूल ही है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट पूछने का तरीका लैंग्वेज थोड़ा सा, चलो तो इसको ट्राई करो। प्रमोटर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ 3' एंड ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेशन, नहीं प्रमोटर में तो टर्मिनेशन नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ आरएनए फॉर प्रोटीन बाइंडिंग, प्रमोटर आरएनए में नहीं डीएनए में पाया जाता है ना। सीक्वेंस ऑन दी आरएनए में राइबोसोम बाइंड, नहीं ये तो आपका एनएसटी सीक्वेंस, कोजाक सीक्वेंस हो गया, बट यस ये क्या होता है, आप सारे के सारे थ्री बता रहे हैं जो बिल्कुल सही बात है ना। प्रमोटर क्या होता है, डीएनए का वो पार्ट होता है जहाँ पे पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और वहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, read it carefully, आंसर गॉट एक्सपोज्ड, भाई मेरा आंसर गलत भी होता है, भरोसा नहीं करना इस पे। क्या बोला है, ईकोला यूजेस अल्टरनेटिव सिग्मा फैक्टर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन बिसाइड्स, बिसाइड्स द स्टैंडर्ड सिग्मा 70, अंडर स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टेंसेस सिग्मा 38, इसको हम बोलते हैं आरपीओएस, रिकग्नाइज करता है कंसेंसस सीक्वेंस फॉर्मड इन द प्रमोटर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन। 38 क्या आ रहता है, दे आर फाउंड ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, ठीक है। हां श्रेया बोलो, इसको ट्राई करो, मोहन इसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों को वन शॉट में शेयर की थी, क्या आपको याद है जब मैंने आपका वन शॉट का सेशन दिया तो उसमें मैंने आपको सारे सिग्मा के इम्पोर्टेंस लिखा के दिए थे, सिग्मा 54 क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होता है, वो सब लिखाया मैंने उस सेशन के।
थोड़ा कम स्कोर है श्रेया, मुश्किल है, मुश्किल। थ्री, द रीजन ऑफ डीएनए नोन एज टाटा बॉक्स इज द साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ व्हाट। तो टाटा बॉक्स जो रहता है जहां से हमारा अनवाइंडिंग स्टार्ट होता है, जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए वहां पे आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है डीएनए डिपेंडेंट। सो यस, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा यहाँ पे सही जाए। ये बताओ देखो, आपने का पेपर कितने मार्क्स का था, 300 मार्क्स का था, है ना। इसका अगर 50% लेते हैं हम तो लगभग 150 मार्क्स का था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जितने भी आपके, जितने भी मैं एस्पिरेंट्स हैं, मुझे भी काफी मैसेज आते, स्कोर आते हैं, तो जो मुझे स्कोर मुझे पता चलता है, काफी बच्चे हैं जो 150 के ऊपर भी स्कोर कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपका स्कोर 200 के आसपास है, 200 वगैरह है, तो इट्स गुड, इट्स सेफ स्कोर। बट अगर थोड़ा 150 से कम है तो फिर तो बहुत मुश्किल है, 150-160 के रेंज में है तो भी थोड़ा ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे बट हाँ, ये मेरा थोड़ा प्रेडिक्शन है। 4, 3, 4, 3, which of the following is not associated with the prokaryotic cells, है ना। तो introns, exons जो है क्या है बच्चों, तो it is a feature of eukaryotic cell। ये क्या होता है बच्चों, तो ये फीचर होता है यूकैरियोटिक सेल का, है ना। लीडिंग से लैगिंग स्ट्रैंड दोनों में पाया जाता है, डिसप्रोपोन एज वेल एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, दीज ऑल आर आल्सो सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बट एक्सॉन इंट्रॉन वाला जो फीचर है ये सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल में ही देखा जाता है, ठीक है। इसका बताओ, मैं वॉइस एक बार चेक करती हूँ। नॉट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रमोटर्स, बताओ। बहुत बच्चे नॉट नहीं पढ़ा लग रहा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा कोई, इतना मैं आप लोगों को जानती हूँ। प्रमोटर में क्या होता है, प्रमोटर में प्रिग्न बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स जो ATH होता है, ये हमारे बिल्कुल स्टार्ट साइड के बाजू में होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। But this pyrimidine rich SD box, this is not part of the promoter, but it is part of the mRNA. ये SD box कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो ये mRNA में पाया जाता है, जहाँ से हमारा translation start. Okay, so option number 4 here is the correct answer. ये बताओ, answer this question. The type of RNA showing greatest base sequence diversity within an individual. एक इंसान के अंदर ही जो RNA रहेंगे उनमें बहुत ज्यादा variety किस type के RNA में हो सकती है, तो of course mRNA, क्योंकि हमारे पास में अगर 100 enzymes है तो हमारे पास में 100 mRNA बनेंगे उसके अलग अलग,
और ये हर एमआरएनए बाकी एमआरएनए से अलग रहेगा, अग्रीड। अगर हमारे पास मिनिमम 100, तो मैंने बहुत कम बोला, हमारे पास 100 जो रहेंगे, 100 एमआरएनए अगर है, 100 प्रोटीन्स है, तो उसके 100 अलग अलग एमआरएनए रहेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों आरआरएनए की, तो राइबोसोमल आरएनए तो भाई कुछ टाइप के होते हैं, 5S है, 5.8S है, 28S है, 16, 18S है, तो उसमें तो चार पांच टाइप से होते हैं। टीआरएनए जो है, जो कैरी करता है 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को, उसमें भी इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। सो याद रखना है कि एमआरएनए जो है, इसमें सबसे ज्यादा हमको वैरायटी देखने को मिलेगी एक इंडिविजुअल के अंदर। हाँ ठीक है, चलो ये बताओ। आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, तो अगर टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है, मतलब UAA, UAG, UGA, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे टर्मिनेशन कोडॉन अगर आ जाएंगे तो ऐसे म्यूटेशन कहलाते हैं बच्चों, ट्रांसिस म्यूटेशन। ये बताओ। डिपेंडेंट सी अ पॉइंट म्यूटेशन दैट रिप्लेसेस अ प्यूरीन विद अनदर प्यूरीन। बच्चों अगर एक प्यूरीन को दूसरा प्यूरीन रिप्लेस करे, या फिर एक पायरिमिडीन को दूसरा पायरिमिडीन रिप्लेस करे, तो ये म्यूटेशन कहलाता है बच्चों ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, सो इफ अ प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पायरिमिडीन, और अ पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरीन, तो ये कहलाता है फिर ट्रांसवर्जन काइंड ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से आपका बेस चेंज होगा, कोडॉन चेंज होगा, बट उसे अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए आंसर दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो प्रिया, ऐसा मुझे तो कोई खबर नहीं पता। द एंजाइम ऑफ ई कोलाई इज द न्यूक्लियस दैट इनिशिएट्स द रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशंस। ये मुझे सवाल में क्यों गड़बड़ लगती है, नहीं इसको रहने दो, इसको ट्राई करो। ग्लाइकोसाइलेज वाली बात तो हम लोग बीआर में करते हैं, दैट इज अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, तो रहने दो, इसको ट्राई कुछ। हाँ बीआर में है, हाँ बिल्कुल सही बात, यस रेक बीसीडी होता है, रेक ए होता है, रेक बी, रेक सी, रेक डी, एलिकेस, एसएसबी। ये बताओ रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर इज ऑफन ड्यू टू।
बोला देखो, हमारे बॉडी में जिस भी प्रकार का डैमेज होता है, अकॉर्डिंग टू दैट डैमेज, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट डैमेज अ डिफरेंट रिपेयर पाथवे इज गिवन. सो अगर रिकॉम्बिनेशन रिपेयर की बात की जा रही है, तो ये किस वजह से होती है बच्चों? इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेनी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स बाय डीएनए पॉलीमरेज. नहीं, अगर गलत न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं तो कुछ और चीज होगा. मेनी सिस्टीन डाइमर एसोसिएटेड लार्ज गैप्स. तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे यूजुअली हमारे जब डीएनए में ब्रेक आएगा, सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड, उस केस में हमारे रिकॉम्बिनेशन रिपेयर्स काम करते हैं. तो गलत न्यूक्लियोटाइड की वजह से तो कभी भी नहीं होगा. मेरा आंसर ए भी नहीं हो सकता, मेरा आंसर डी भी नहीं हो सकता. अगर मैं बी और सी को ध्यान से देखूं, तो यस, थायमिडीन डाइमर हमारे ज्यादा बनते हैं. सो इफ देर आर मोर थायमिडीन डाइमर फॉर्मेशंस एंड इफ देर आर लार्ज गैप्स एज वेल विथ इट, तो हमको ये चीज देखने को मिल सकती है, या हमको रिकॉम्बिनेशन रिपेयर देखने को मिल सकता है. ओके, ये बताइए, द एंजाइम फोटोलाइज इज यूज्ड इन व्हाट मेथड ऑफ रिपेयर? फोटोलाइज को हम लोग किस प्रकार के रिपेयर के मैकेनिज्म में यूज करते हैं? फोटो रिएक्टिवेशन. सो अगर हम बात करते हैं डीएनए फोटोलाइज की, डीएनए फोटोलाइज का मतलब क्या होता है? तो जिसको हम यूज करते हैं इन डायरेक्ट रिपेयर. दिस एंजाइम इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट. दे आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स. उसके बाद में दे आर फाउंड ओनली इन दी प्रोकैरियोट्स. देन अगर हम बात करते हैं हमारे इस फोटोलाइज की, तो अगर हमारे डीएनए को यूवी लाइट मिलता है, तो देर आर चांसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थायमिन थायमिन डाइमर. अगर हमको इसको रिवर्स करना है, तो क्या किया जाता है उस केस में? हम लोग इसको नॉर्मल विजिबल रेंज की लाइट प्रोवाइड करते हैं. विजिबल लाइट इज गिवन, और इस विजिबल लाइट की वजह से वहां पे एक्टिवेशन होता है एंजाइम डीएनए फोटोलाइज का. और ये क्या कर देगा? ये सिंगल स्टेप में ही हमारे जो डाइमर रहेगा उसको ब्रेक कर देगा. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन नाउ? दिस थायमिन थायमिन दे विल नॉट बी फॉर्म, एंड थायमिन जो रहेगा ये अभी एडिनिन के साथ में फॉर्म करेगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रिएक्टिवेशन. ये बताओ, एक्स पिगमेंट क्या बोल रहे हो राज? उस पर भी क्वेश्चन करेंगे. है ना? सो नेम द टर्म गिवन टू द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट. तो कुछ चीजें जो होती है वो एनवायरमेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ये कहलाता है हमारा कंडीशनल लीथल म्यूटेशन. ये बताइए, नेम द टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच कॉज ऑफ म्यूटेशन इज नॉट नोन. एक ऐसा म्यूटेशन जहां पे हमको पता ही नहीं है कि इसका क्या, किसकी क्या वजह है. तो बच्चों, जो होता है अपने आप से, कुछ चीज अपने आप से हो जाती है, क्योंकि वजह नहीं पता होती है हमको. सप्रेसर म्यूटेशन में क्या होता है? किसी के सिंथेसिस को सप्रेस कर देना. नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो जाएगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टॉप कोडन. अगर हम बात करते हैं मिससेंस म्यूटेशन की, तो यहाँ पे चेंज इन न्यूक्लियोटाइड की वजह से चेंज इन अमाइनो एसिड भी ना. हियर चेंज इन न्यूक्लियोटाइड लीड्स टू
change in amino. न्यूक्लियोटाइड में चेंज की वजह से अमाइनो एसिड में भी यहाँ पे चेंज आता है. और ये जो चेंज इन अमाइनो एसिड है दो तरीके से हो सकता है. एक तरीका होता है पोलर अमाइनो एसिड रिप्लेस्ड बाय अ पोलर अमाइनो एसिड, और नॉन पोलर अमाइनो एसिड रिप्लेस्ड बाय अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड. या एक तरीका हो सकता है पोलर रिप्लेस्ड बाय नॉन पोलर, या एक तरीका हो सकता है नॉन पोलर रिप्लेस्ड बाय पोलर. तो इसमें से किसी भी प्रकार का ये हमको म्यूटेशन देखने को मिल सकता है. ठीक है, इनमें ये सारे कहलाते हैं आपके मिससेंस म्यूटेशन, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एक वजह से हमारा अमाइनो एसिड भी चेंज होगा, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर में भी चेंज देखने को मिलेगा. ये बताओ एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस कॉज विच काइंड ऑफ म्यूटेशन. एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस कॉज विच काइंड ऑफ म्यूटेशन. अच्छा लाइक इतने कम क्यों चल रहे यार, अब तक आपने 100 लाइक भी नहीं पहुंचाए हैं, 2 घंटे होने को आए ऑलमोस्ट, 100 लाइक भी नहीं पहुंचाए हैं अब तक. क्या आएगा इसका आंसर? एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस कॉजेस विच काइंड ऑफ म्यूटेशन. अगर हम बात करते हैं बच्चों बेसिस के एडिशन और डिलीशन की, अगर एक सिंगल बेस भी ऐड होता है या एक सिंगल बेस भी डिलीट होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है ना. अगर हमारे पास में सपोज कोई सीक्वेंस है जहाँ पे जी सी 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 ए टी टी ए ए जी जी सी सी ए टी, तो क्या होगा इस केस में, हमारा ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, एक कोडॉन. बट अगर ऐसा हो जाए कि इसमें से अगर कोई एक बेस डिलीट हो जाए या कोई एक बेस इंसर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पूरे कोडॉन या तो एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे या तो कोडॉन जो है वो बच्चों एक पीछे शिफ्ट हो जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. सो एडिशन और डिलीशन अगर होता है बेसिस का तो इससे देखा जाता है दैट देयर इज दिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ऑप्शन नंबर बी हियर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इज दिस क्लियर? इसमें आंसर दिख रहा है, ये आंसर गलत भी हो सकता है. डोंट गो विद माय आंसर्स. इंटरेस्टेड? यस मनिंद्र, प्यूरीन टू प्यूरीन या प्यूरीन टू पिरिमिडीन, सॉरी प्यूरीन टू प्यूरीन और पिरिमिडीन टू पिरिमिडीन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन. प्यूरीन टू पिरिमिडीन और पिरिमिडीन टू प्यूरीन इज कॉल्ड ट्रांजिशन. डू नॉट ट्रस्ट देम. Do not trust them. ये सब मोह माया. क्या होगा, मेरे पे ट्रस्ट करो पर पीपीटी पे ट्रस्ट नहीं करो. पीपीटी कहते हैं फॉन्ट अपने आप चेंज हो जाते हैं, क्या पता कभी आंसर अपने आप चेंज कर ले. नेवर नो. ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट एट द रेप्लिकेशन फॉर रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स having specialized functions except polymerase 3. क्या होता है, ये हमारा major polymerase enzyme है, ये काम आता है हमारे पूरे replication में. specifically जो भी elongation वाला काम है वो हमारा DNA polymerase 3 perform करेगा. DNA gyrase का मतलब क्या है, this is topo isomerase 2. topo isomerase 2 will perform the removal of supercoiling or addition of supercoiling. What is DNA ligase? ये करेगा बच्चों gap sealing. This will perform the gap sealing. So all of the above, sorry, all these are used in replication. But DNA glycosylase को यहाँ पे use नहीं किया जाता है. This is used in the base excision repair. अगर इसी प्रकार का कोई foreign base हमारे DNA में present रहता है तो क्या किया जाएगा, suppose एडेनिन है सामने थायमिन था बट अगर वो यूरासिल में कन्वर्ट हो गया तो यूरासिल इज अ फॉरेन बेस. तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यूरासिल को हटाने के लिए पहले तो वहां पे काम आता है हमारा एंजाइम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज वहां के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा जिससे हमारा यूरासिल वहां से हट जाएगा.
जुरासिक हटने से वहां पे अभी एम्प्टी शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट है. सो दैट साइट इज विदाउट नाइट्रोजनस बेस, दैट साइट इज विदाउट अ प्यूरीन और अ पिरिमिडीन. तो इसलिए वो साइट कहलाता है हमारा एपी साइट, मतलब अप्यूरिनिक साइट और अपिरिमिडिनिक साइट. अब उस साइट से हम लोगों को शुगर फॉस्फेट को भी हटाना है, तो वहां पे हम एक एंजाइम का यूज करते हैं कॉल्ड एज दी एपी एंडोन्यूक्लियस. एपी एंडोन्यूक्लियस आके वहां पे इस तरीके से कट लगाएंगे, और अगर कट लगाएंगे तो कट लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे एक निक बनेगा. उसके बाद वहां पे आएंगे हमारे एंजाइम्स, और वो क्या करेंगे आके, तो वो एंजाइम्स वहां पे आके फर्दर गैप फिलिंग परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो द गैप फिलिंग इन द बेस एक्सीजन रिपेयर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज परफॉर्म बाय डीएनए पॉलीमरेज वन, बिकॉज यही करेगा गैप फिलिंग. क्या आप मुझे बता सकते हो इन यूकैरियोट्स गैप फिलिंग कौन परफॉर्म करेगा? गैप फिलिंग वाला जो काम है प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीमरेज वन कर देगा, बट यूकैरियोट्स के अंदर में कौन सा पॉलीमरेज करेगा गैप फिलिंग? गैप फिलिंग की बात करी उसी लिंग की नहीं, वो जगह पे खाली जगह रहेगी वहां पे बेसिस को ऐड करना है, गैप को फिल करना है, तो कौन करेगा? डेल्टा लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड अल्फा, अल्फा प्राइमेज होता है आके प्राइमर बनाता है, एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड का इलॉन्गेशन करता है, बीटा याद है डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो होता है इस स्पेसिफिकली काम आता है ओनली इन दी बेस एक्सीजन रिपेयर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन. दिस इज द बीटा. एक और होता है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज गामा. क्या बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज गामा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज गामा इन केस ऑफ यूकैरियोट? नो, पॉलीमरेज वन, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन है ना. गामा क्या करता है? इट इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन. बीटा क्लैंप अलग है. देखो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स के पास में होता है डीएनए पॉलीमरेज वन. इसका मेन फंक्शन होता है टू परफॉर्म द प्राइमर रिमूवल एंड गैप फिलिंग. फिर होता है डीएनए पॉलीमरेज टू, इन्वॉल्व होता है रिपेयर मैकेनिज्म. फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो हमारा मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है. फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज फोर एंड डीएनए पॉलीमरेज फाइव. ये दोनों काम आते हैं इन दी ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस. अब जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है, इस थ्री के पास में बहुत सारे अलग अलग सब यूनिट्स रहते हैं. तो इसके पास जो बीटा सब यूनिट है ये होता है हमारा क्लैंप, और जो गामा सब यूनिट है ये होता है क्लैंप का लोडर. ठीक है, ये बात होती है प्रोकैरियोट के केस में. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों यूकैरियोट के केस में, सो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे अगेन हैव डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज. इनके पास होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इसका काम होता है प्राइमेज का, ये करता है प्राइमर का सिंथेसिस. देन वी हैव दिस डीएनए पॉलीमरेज बीटा, दिस इज इन्वॉल्व इन द बेस एक्सीजन रिपेयर. वी हैव डीएनए पॉलीमरेज गामा, दिस इज इन्वॉल्व इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन. देन वी हैव डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, बोथ आर इन्वॉल्व इन इलॉन्गेशन. इलॉन की बात करें तो ये करवाता है इलॉन्गेशन ऑफ दी लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. डेल्टा की बात करें तो ये करवाता है इलॉन्गेशन ऑफ दी लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ठीक है, सो याद रखना है, आपने कुछ कंफ्यूजन किया है, बीटा एंड गामा पॉलीमरेज अलग है, बीटा और गामा सब यूनिट्स अलग है. ठीक है, इज दिस क्लियर? Is this clear? प्रवीण, I think आपके कुछ doubts थे कि आपको समझ में आ गया अभी सारी बातें. आप जो बीटा की बात कर रहे हो, बीटा सब यूनिट्स अलग है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा अलग होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे आपके यूकैरियोट्स के बारे में है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी. ठीक है,
सो इसका आंसर आएगा डीएनए राइबोसोम्स। ये बताइए, एक सेकंड है, इसका आंसर सच में दिख रहे हैं क्या? सब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मजाक के साथ। लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या एग्जैक्टली? देखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे ओनली हैव, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे ओनली हैव वन डीएनए पॉलीमरेज। एप्सिलॉन जो रहता है कि लीडिंग स्ट्रैंड में करवाएगा एलॉन्गेशन, डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड में करवाएगा एलॉन्गेशन। देखो, आफ्टर चीटिंग करोगे ना तो आपका ये नुकसान होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे डीएनए हेलिकेज के बारे में, तो हेलिकेज होता है प्रोकैरियोट्स में भी, हेलिकेज होता है यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट में जो हेलिकेज होता है, नाम होता है उसका डीएनए बी। क्या आप मुझे बता सकते हो यूकैरियोट्स के अंदर हेलिकेज का नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ हेलिकेज इन यूकैरियोट्स? इट इज एमसीएम 227। क्या आप मुझे बता सकते हो हेलिकेज का लोडर कौन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स? व्हिच इज द हेलिकेज लोडर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स? डीएनए बी तो हेलिकेज है, तो उसको लेके कौन आता है? पीसीएनए। क्या बोल रहे हो, डीएनए सी होता है। और अगर हम बात करते हैं हेलिकेज लोडर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, देन इट इज CDC6 एंड CDT1। ओके, और आप जो मुझे पीसीएनए बता रहे हो, ये जो रहता है ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है यूकैरियोट्स का। पीसीएनए जो है, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ यूकैरियोट्स। और अगर हम बात करते हैं हमारे इस एमसीएम 227 की, तो ये अकेला एक्टिव हेलिकेज नहीं होता है, इसमें और भी कुछ चीजें आके अटैच होती है। एक सेकंड। हाँ, रुको। अगर हम बात करते हैं एमसीएम की, तो एमसीएम जो है इसके साथ में जिंस आता है, प्लस के साथ में आता है सीडीसी, और ये मिलकर क्या करते हैं, ये मिलकर बनाते हैं हमारा सीएमजी कॉम्प्लेक्स। PCNA, yes, it is the sliding clamp. हाँ, और RPA जो है ये होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन यूकैरियोट्स। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, सॉरी, इसको याद है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इकोलाई में हेलिकेज के एक्टिविटी की, तो हेलिकेज ट्रांसलेकेट होता है इन 5' to 3' डायरेक्शन अलोंग द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड है, आपके आंसर अगर डिस्प्ले हो रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, जस्ट लेट मी चेक की दिक्कत क्या हुई है। मैं आप लोगों की स्लाइड ऑफ कर रही हूँ फॉर सम टाइम। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग का गुड आफ्टरनून चल रहा है ना बाबा? Let me just remove the answers. Otherwise, तो मतलब नहीं है फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। चलो ये बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राय दिस क्वेश्चन। क्या है इसका आंसर? समर सिंह 2, समर सिंह 3। क्या बोला गया है? While replicating DNA, ठीक है,
अगर हम बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की, द रेट ऑफ मिस इनकॉर्पोरेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज इज 1 × 10⁵ न्यूक्लियोटाइड। भाई हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बहुत कम गलतियां करता है, ठीक है। हाउएवर द एक्चुअल एरर रेट जो है उसका वो होता है 1 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्यों है भाई? क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है उसके खुद के पास में होती है एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसलिए वो और कम गलतियां करता है। सो दिस 3′ to 5′ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ये हमारा सही जवाब। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। सम आर सेइंग 3, नहीं बाकी सारे ऑप्शन गलत है। कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे बता देना, बाकी तो मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको ट्राई करो। So many of you are going with option number 3. Saurabh, कौन सा लेक्चर, कौन सा, क्या समझ में नहीं आया डियर आपको? Can ask me. बोला गया है E. coli DNA ligase catalyzes the formation of a phosphodiester bond. Sorry. Between the adjoining 3′ hydroxyl and 5′ phosphoryl ends in DNA duplexes. Thank you. The energetic need for this reaction is met by the hydrolysis. अब आपको मैंने बताया था कि DNA ligase जो है उसको चाहिए होता है एक cofactor and that cofactor is actually AMP. और जो AMP है इसका सोर्स NAD भी हो सकता है, इसका सोर्स ATP भी हो सकता है, यूकैरियोट है तो ATP, प्रोकैरियोट है तो NAD, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन स्टेप्स। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से एक्चुअल में लाइगेज अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि AMP इज लिंक्ड टू 5′ फॉस्फोरिल एंड्स, ठीक है। सेकंड बोल रहा है एडिनल ग्रुप ऑफ NAD इज ट्रांसफर्ड, हाँ तो ये तो पहले होना चाहिए, पहले NAD जो है यहां से जो हमारा एनएडी है वहां से पहले एएमपी को लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमारा 2 पहले होना चाहिए, उसके बाद एएमपी को लिंक करना चाहिए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। सो यस इंडीड ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अरे दे 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 रवीन, आई थिंक मुझे भी शायद वो स्टैंड अप कॉमेडी याद आ गई है, वो गर्ल्स बॉयज को लेके कुछ था शायद। हाँ श्रेया बिल्कुल पूछ सकते हो, थैंक यू सो मच शुभम। यस पूजा, व्हाट हैपेंड हियर, सॉरी श्रेया, श्रेया
अगर रिप्रेसर को इंड्यूसर बाइंड हो जाए, ठीक है, अगर इंड्यूसर मुश्किल है, अगर हमारा इंड्यूसर सपोज एलोडाइमेट अगर आके बाइंड हो जाएगा हमारे रिप्रेसर को, लैक आई को, तो क्या हो जाएगा, लैक आई जाके ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो पाएगा. इट विल प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू दी ऑपरेटर. ठीक है, चलो अगले सवाल का जवाब दो. कॉपिया देखते हैं कितने क्वेश्चन है और लेट्स सी और कितने क्वेश्चन हैं. इसको ट्राई करो. दिस इज अगेन अबाउट दी लैक ऑफ. तबा है चांसेस थोड़े, श्रेया थोड़ा लग रहा है मुझे. एंड ये वॉल्टर वाइट कौन है हमारे क्लास? वॉल्टर वाइट मतलब वाह. यस प्रवीण, ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है इन दिस केस एडिनिल साइक्लिस इज इनहिबिटेड. अगर एडिनिल साइक्लिस इनहिबिटेड है तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. वहीं अगर ग्लूकोज रहेगा वो नहीं प्रेजेंट रहेगा तो एडिनिल साइक्लिस को इनहिबिट नहीं करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे साइक्लिक एएमपी हाई अमाउंट में बनता है. द लैक्टोज ऑपेरॉन इन ई कोलाई इज कंट्रोल्ड बाय बोथ रिप्रेसर एंड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर. In an in vivo experiment with lactoferrin, the following observations were made. क्या क्या observations दिए गए हैं? तो पहला बोला जा रहा है cyclic AMP levels are high. आपको बोला गया which of the following conclusion is most appropriate. देखो cyclic AMP का level high है. cyclic AMP high है मतलब क्या? मतलब glucose का level यहाँ पे कम होना चाहिए, तो glucose absent होना चाहिए. Repressor is bound to allolactose. भाई लैक्टोज के साथ में कब बाइंड होगा? जब बॉडी में लैक्टोज रहेगा. अगर बॉडी में लैक्टोज है तो लैक्टोज से ही तो बन सकता है एलो लैक्टोज. तो अगर लैक्टोज है तो एलो लैक्टोज बन सकता है, अगर लैक्टोज नहीं है तो एलो लैक्टोज भी नहीं बने. ठीक है, सो लैक्टोज शुड बी प्रेजेंट अगर रिप्रेसर बाउंड है एलो लैक्टोज के साथ में. और थर्ड क्या बोला जा रहा है? क्या इंटरैक्ट विद RNA polymerase. तो भाई तो obvious बात है, अगर cyclic AMP का level high है तो cyclic AMP cap को bind करेगा और वो मिलके जाके हमारे cap site को bind करेगा, है ना? So ये condition कब होगी? जब glucose absent रहेगा और lactose present रहेगा. So option number 4 here is the correct answer. ठीक है, and most of you have given me the absolutely correct answer. Good job. चलो ये बताओ. क्या करना चाहिए लॉकडाउन में बताओ? गाना शाना शायरी वायरी हो जाए फिर. ई कोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन अ मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज.
ठीक है, क्या था? तो ईगोलाय का सेल हमने मीडिया में ग्रो किया है और हमारे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट था। इनिशियली कंडीशन वाज लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है बट ग्लूकोज यहाँ पे नहीं है ना। देन इंडिकेट द एक्सप्रेशन स्टेटस ऑफ लैक्टोपेरोन इफ ग्लूकोज इज एडेड टू द गट्स। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे ग्लूकोज को ऐड कर दिया। अगर ग्लूकोज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ग्लूकोज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के आने की वजह से हमारा जो लैक्टोपेरोन है ये काम नहीं करेगा, बिकॉज अगर ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है देन व्हाई शुड द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म और टेक एफर्ट्स टू परफॉर्म द लैक्टोज ऑपरेशन। सो यस, दिस लीड्स टू द डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द लैक्टोपेरोन स्ट्रक्चरल। ओके चलो इसका आंसर दो। देखो फन वगैरह करने का मेरे को है नहीं इशू, बट आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी मच सीरियस। अगर मैंने कुछ बोलना स्टार्ट किया तो आप बोलोगे अरे मैम लेक्चर कराओ, मैम क्वेश्चंस कराओ, ये सब बाद में करेंगे, तो इट्स ओके, पढ़ लो चीज़ें, एक हफ्ते के बाद फन करेंगे। सैटरडे एग्जाम हो जाएगी डीबीटी, हाँ पीस के बाद करेंगे। यस टिल्टन, तो अभी थोड़ा सीरियसली पढ़ लेते हैं सारी चीजों को, एक सिर्फ इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। चलो इसको ट्राई करो। नहीं, आज के जो टॉपिक्स है हमारे, ये काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके पीछे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक बार हम लोग ने बायोकेमिस्ट्री का सेशन किया था संडे को, अगर आप में से कोई था उस दिन, तो वो हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री में क्या हुआ था, बायोकेमिस्ट्री में आपके सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह थे, दैट डज नॉट नीड दिस मच अटेंशन, है ना। हमने एक बार बायोकेमिस्ट्री का सेशन लिया था संडे को, मुझे याद है 4 घंटे का सेशन, काफी हमारा मजेदार गया, बिकॉज दैट वाज जिसमें आपको मैथ्स वगैरह क्वेश्चंस थे, वहां पे आपको लर्न नहीं करना था कुछ, वो आपको सॉल्व करके रखना था, यहाँ पे आपको लर्न करना है, तो यहाँ पे हम लोग करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज आपको आ सकता है, यहाँ पे मोल बायोलॉजी में काफी कुछ आपको लर्न करना है, एंजाइम्स आपको पता होने चाहिए बेस ऑक्सीजन में कौन से हैं कौन से हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है, ई कोलाई को हम लोगों ने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रखा है, ठीक है। इन वन इट वाज ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज एज कार्बन सोर्स। एक कंडीशन में क्या किया है, एक कंडीशन में हम लोगों ने उसको ग्लूकोज के प्रेजेंस में ग्रो किया है। इन सेकेंड मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सेकेंड कंडीशन में क्या किया, तो सेकेंड कंडीशन में हमने इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों भी प्रोवाइड कर दिया। और थर्ड कंडीशन में क्या किया, तो थर्ड कंडीशन में हमने उसको फाज के साथ में इन्फेक्ट कर दिया। इन थर्ड कंडीशन हमने उसको फिर फाज के साथ इन्फेक्ट कर दिया। अब बोला गया है कि मैच द कर्व्स, ठीक है, बोला गया है कि मैच द कर्व्स शोन बिलो टू द ट्रीटमेंट। अब देखो बच्चों, हमको एक तरफ दिया है नंबर ऑफ सेल्स और एक तरफ हमको दिया है टाइम। दे हैव गिवन अस 3 ग्राफ, आपको बताना है कि कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताओ, अगर फाज का इंफेक्शन होता है तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स नीचे आएगा, अगर फाज का इंफेक्शन होगा तो होस्ट की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सो इन दिस केस नंबर ऑफ सेल्स में डिक्लाइन, यस और नो होगा। इसका मतलब थर्ड क्या होना चाहिए, मेरा थर्ड मेरा सी होना चाहिए। सी का मतलब क्या, वो कंडीशन जहां पे फाज से इंफेक्शन है ना। ओके गुड, अब अगर आप ए और बी को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि बी में क्या दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं बी की तो बी में दिख रहा है ऑर्गेनिज्म ने पहले न्यूट्रिशन को यूज किया, उसका नंबर भी इंक्रीज हुआ, आफ्टर अ टाइम वो स्टेबल हो गया, आफ्टर टाइम वो स्टेबल हो गया। और अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए में क्या हुआ है,
कि उसका नंबर पहले बढ़ा, फिर वो स्टेबल हो गया, फिर दोबारा से बढ़ा और दोबारा से स्टेबल हो गया। ये क्या शो करता है? तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ए मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे हो सकता है दो सोर्स हो न्यूट्रिएंट का, दो कार्बन सोर्स हो, क्योंकि जब एक रिप्लीट हुआ तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी देर लैग फेज में गया, फिर से दूसरा न्यूट्रिएंट यूज करना स्टार्ट किया। बट अगर हम बात करते हैं हमारे बी की, तो बी में ए की बार में आपका स्टेशनरी फेज आ गया, फिर दोबारा से देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ए जहाँ पे आपका कर्व डायऑक्सी की तरह दिख रहा है, यहाँ पे जरूर दो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और जो बी है यहाँ पे जरूर एक ही न्यूट्रिएंट रहा होगा। ढूंढा सा ऑप्शन, ए इज ग्रोन इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बी इज ग्रोन ओनली इन ग्लूकोज एंड सी इज इन्फेक्टेड विद। तो ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे सही जगह। नहीं कुछ नहीं, आ जाएगा मम्मा, पढ़ते रहो, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो देखो दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, मे बी आपको ये तरीका नहीं पता था उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन वाज वेरी इजी, है ना। क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आपको समझना था कि डायऑक्सी कर्व आपको पता था, स्टेशनरी फेज का मतलब आपको पता था, डिक्लाइन का मतलब आपको पता था, तो आपको उसको यहाँ पे प्लेस करना। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। मानसी आप लोगों को सब आता है, चलो इसको ट्राई करो। रीड द होल क्वेश्चन एंड गिव इट अ ट्राई। टू बता रहे हैं बच्चे, ठीक आएगा इसका आंसर। एफ ऑप्शन ही नहीं है, 1 2 3 4। एक्सप्लेन देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोला है इसको। अगर आप ध्यान से देखो, आई माइनस ओ प्लस, आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस एंड वाई माइनस। सेकेंड क्या बोला है, आई प्लस ओ सी आई प्लस ओ सी जेड माइनस वाई प्लस। ये समझ में आया, ये समझ में आया सभी को, ये हमको दिया। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, विथ रेफरेंस टू द लैक्टोज ओपरॉन व्हाट विल बी दी फिनोटाइप ऑफ एन इकोलाई स्ट्रेन हैविंग अ जीनोटाइप। तो हमको इकोलाई स्ट्रेन का एक जीनोटाइप बताया हुआ है और हमको बताना है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरीके से हो। ओके, अब बच्चों ध्यान से समझना। ओके, थोड़ी देर कोई बात नहीं करेगा, इसको प्लीज ध्यान से समझना। देखो मेरे को बताओ, अगर हमारे ऑपरेटर में म्यूटेशन आया, इफ देयर इज अ म्यूटेशन इन दी ऑपरेटर, देन व्हाट विल हैपन? डू यू अग्री? रिप्रेसर कैन नॉट बाउंड हियर, रिप्रेसर कैन नॉट बाउंड हियर, डू यू अग्री? और अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल लीड्स टू ऑलवेज एक्सप्रेशन,
दिस विल लीड्स टू ऑलवेज एक्सप्रेशन, और ऑलवेज एक्सप्रेशन को ही बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. ऑलवेज एक्सप्रेशन को ही बोला जाता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन. तो एक ऐसा ऑपरेटर जहां पे ऑलवेज एक्सप्रेशन वाली कंडीशन है, ये ऑपरेटर को हम लोग ओ सी करके लिखते हैं. ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटर जहां पे रिप्रेजेंट बाइंड ही नहीं हो सकता है वो ऑपरेटर जो है वो कहलाता है, वो उसको हम लोग बेसिकली ओ टू द पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये समझ में आया सभी को व्हाट इज ओ सी. अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. अब देखो अगर मैं आपको ये दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें, अगर मैं दोनों को कंपेयर करके देखें तो मुझे नजर आ रहा है कि जहां पे मेरा ऑपरेटर प्रेजेंट है यहाँ पे जेड का जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे उसके आगे वाई वाला जीन नहीं है और इसके पास में खुद का रिप्रेसर भी नहीं है. बट क्योंकि ये मेरोडिप्लॉइड है, मेरोडिप्लॉइड का मतलब होता है पार्शियली डिप्लॉइड. इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में कुछ जीन के दो कॉपीज प्रेजेंट रहती है. ओके, मेरोडिप्लॉइड का मतलब क्या रहेगा कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ जीन्स जो रहेंगे हमारे उनका देखने को मिलता है दैट कुछ जीन के यहाँ पे दो कॉपीज प्रेजेंट रहेंगे. अब इसी के पास एक और कॉपी है जिसका लैग काम कर रहा है, इसका ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है ना. ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक ऐसा ऑपरेटर जहां पे हमारा इनहिबिटर बाइंड नहीं हो पाएगा, रिप्रेसर बाइंड नहीं हो पाएगा. यहाँ पे जेड भी हमारा फंक्शनल नहीं है और यहाँ पे वाई हमारा फंक्शनल है. अब अगर आप देखो बच्चों तो ये जो ऑपरेटर है जो मैं आपको पहला ऑपरेटर बता रही हूँ, ये ऑपरेटर किसका एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये ऑपरेटर किसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, जेड के, वाई के या बोथ, जेड वाई और बोथ. The first operator is controlling Z, Y or both. तो भाई ये तो सिर्फ Z को control करेगा, क्योंकि इसके आगे जो Y है वो तो negative है, मतलब वो Y खुद mutated है. तो ये operator तो Y को control नहीं कर पाएगा. अगर हम पहले केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा operator है वो Z को control करेगा. इसका मतलब Z हमारा control में है, ऐसे टर्म्स में याद रखो, जेड हमारा पे कंट्रोल में है और वाई जो है वो यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, तो वाई के बारे में हम फिलहाल कुछ प्रेडिक्शन नहीं दे सकते. अब अगर मैं सेकंड केस सिनेरियो देखूं तो सेकंड केस में क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारे लैग आए है यहाँ पे रिप्रेसर तो फॉर्म हो रहा, ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर को भी कंट्रोल कर सकता है, ये इसको भी कंट्रोल कर सकता है. बट क्या हो जाएगा बच्चों कि ये हमारा ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव, अगर हमारा ये ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव है इसका मतलब ये होता है कि वो ऑपरेटर को कोई रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हो सकता, और अगर वो ऑपरेटर को कोई रिप्रेसर आके बाइंड नहीं हो सकता इसका मतलब इस ऑपरेटर के आगे के जितने भी जीन्स है उनका ऑलवेज एक्सप्रेशन होगा. डू यू ऑल अग्री, उस ऑपरेटर के आगे जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स है उन सबका ऑलवेज एक्सप्रेशन होगा. Do you all agree? तो भाई इसके आगे Z तो बन ही नहीं रहा, Z तो माइनस है, मतलब Z को ऑलवेज एक्सप्रेशन नहीं होने वाला है. बट इसके आगे Y प्रेजेंट है और Y में क्या हो जाएगा, तो Y का रहेगा ऑलवेज एक्सप्रेशन. सो ऑलवेज एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल में कोई रहा ये कहलाता है बच्चों इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन. तो इस ओपेरॉन में क्या हो जाएगा, इस ओपेरॉन में देयर विल बी इंड्यूसिबल फॉर द जेड, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस, एंड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक वाई, मतलब लैक्टोज परमेस. सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थ्री हियर इज द करेक्ट आंसर. क्या सभी को ये पूरा लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, बायोकेमिस्ट्री हमने लास्ट वीक ही किया था बच्चे.
बायोकेमिस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री महामैराथन में नहीं होगा दोबारा। ओके चलो इसको ट्राई करो। बायोकेमिस्ट्री बायो प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको दोबारा से नहीं करेंगे। जो टॉपिक्स पेंडिंग है मैं आप लोगों के साथ में एक बार और कनेक्ट करूंगी इस वीक में जेनेटिक्स को लेके, बिकॉज जेनेटिक्स आपका हुआ नहीं है रिसेंटली, तो जेनेटिक्स मैं लेके आऊंगी। बाकी टॉपिक्स आपके आपको स्केड्यूल दिख जाएगा चैनल पे, इसको देखो रीड कर क्या दिया है। ओके अंशिका आपका सेशन लोकेश सर ने लिया था ना, आई आस्क मोहित सर टू टॉक टू लोकेश सर। द टू प्रीकर्सर्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ विच सेट ऑफ एंजाइम्स। हमारे पास में डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, उनको हमको जॉइन करने हैं, तो हम इसको किस एंजाइम की हेल्प से कर सकते हैं। तो यस हमारा जो होता है ना पॉलीमरेज वन है लाइगेज की जोड़ी, ये वाला आके ये फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड है, इसमें आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, ये फॉन्ट की वजह से है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट मैं आपके लिए। Okay, give this question a try. आराम से देखो इसको एंड ट्राई। और बता रहे हैं बच्चे, ठीक है मैंने कब कहा नहीं है, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। क्या आंसर आएगा इसका, सबने रीड कर लिया है? देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेट एवरीवन रीड एंड देन आई आंसर। मैं आंसर दे सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ एक बार सारे इसको ट्राई करें, एक बार रीड करो समझो क्वेश्चन को, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यू शुड नो।
हाँ जी, चलो पढ़ लिया सबने ये क्वेश्चन ना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन. पहला स्ट्रेन क्या बोल रहा है, अब आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन. देखो बेसिक लेवल का मतलब होता है जो मतलब ना बेसिक लेवल पे चलेगा, लीकी ओपरॉन बोलते हैं, कोई रोक नहीं रहा है, कोई धक्का नहीं दे रहा है, दैट काइंड ऑफ. ओके चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरिया विल शो द एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूटिव और बेसल लेवल. ठीक है, मतलब कहाँ पे स्टार्ट स्टॉप होगा, कहाँ पे ऑलवेज एक्सप्रेशन होगा, कहाँ पे बेसिक लेवल पे चलता है. पहला क्या बोला गया है, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज बीन सेड दैट म्यूटेशन इन द एनहांसर रीजन सच दैट द एक्टिवेटरी प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द एनहांसर. बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो कि जो भी हमारा एनहांसर रीजन है, ठीक है, जो हमारा एनहांसर रीजन है, व्हाट इफ इस एनहांसर रीजन में ऐसा म्यूटेशन आ जाए कि यहाँ पे कोई भी एक्टिवेटरी प्रोटीन आके बाइंड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन है दैट इन दिस केस देयर इज म्यूटेशन इन द एनहांसर रीजन सच दैट नो एक्टिवेटरी प्रोटीन कैन कम एंड बाइंड देयर. अब अगर हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेन क्यू की, तो क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में हो रहा है म्यूटेशन इन दी कैप एनकोडिंग जीन. यहाँ पे कैप में म्यूटेशन आया है और एक ऐसा म्यूटेशन आया है कि यहाँ पे कैप को साइक्लिक एएमपी आके बाइंड नहीं कर सकता है. मुझे बताओ बच्चों, अगर साइक्लिक एएमपी प्रोटीन, या फिर अगर मैं बोलूँ आपको साइक्लिक एएमपी अगर कैप को बाइंड नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो एक्टिवेटर हियर, देयर इज नो एक्टिवेटर हियर. अगर अब मैं पहला स्ट्रेन की बात करूँ तो फर्स्ट में क्या दिया है, म्यूटेशन इन एनहांसर दैट एक्टिवेटर कैन नॉट बाइंड टू इट, मतलब पहले के सिनेरियो में भी एक्टिवेटर नहीं है, पहले केस में एक्टिवेटर नहीं है, सेकेंड केस में भी एक्टिवेटर नहीं है. अगर हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेन आर की, आर में क्या बोला गया है, म्यूटेशन इन दी रिप्रेसर एनकोडिंग जीन सच दैट इंड्यूसर कैन नॉट बाइंड टू दी रिप्रेसर. अब मुझे बताओ बच्चों थर्ड में क्या बोला गया है कि हमारे रिप्रेसर में म्यूटेशन आया है. कैसा म्यूटेशन आया है, तो एक ऐसा म्यूटेशन आया है कि हमारा इंड्यूसर उस रिप्रेसर को बाइंड नहीं हो सकता. अगर इंड्यूसर रिप्रेसर को बाइंड नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, इफ एन इंड्यूसर मॉलिक्यूल कैन नॉट बाइंड टू द रिप्रेसर देन व्हाट विल हैपन, रिप्रेसर विल ऑलवेज बी बाउंड टू द ऑपरेटर. डू यू ऑल अग्री, इन द थर्ड केस सिनेरियो रिप्रेसर जो रहेगा हमेशा हमारा वो हमेशा बाइंड रहेगा ऑपरेटर, और अगर वो हमेशा बाइंड रहेगा तो इन दिस केस द थर्ड केस देयर विल बी नो एक्सप्रेशन. तो भाई आर में तो मुझे नो एक्सप्रेशन मिलना चाहिए जो मुझे तीन जगह दिख चुका है. और अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस में क्या दिया है, म्यूटेशन इन द ऑपरेटर जीन ऑफ लैक ओपेरॉन सच दैट रिप्रेसर इज नॉट एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर. मतलब देखो अब तक मेरे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, एस में क्या था, एस में था हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, बिकॉज यस यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो भी रिप्रेसर है वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं हो सकता. सो इन दिस केस देयर विल बी ऑलवेज एक्सप्रेशन. अब अगर आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट सेकेंड केस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिवेटर दोनों जगह पे नहीं है. अगर एक्टिवेटर दोनों जगह पे नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे आपको इंड्यूस्ड वाली चीज देखने को नहीं मिलनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर टू हमारा यहाँ पे सही जवाब. Is this clear to everyone? Yes, Praveen, you can take this screenshot. ले लो जल्दी. चलो बताओ एक बार सबको, क्या सारे पॉइंट समझ में आ गए? अंशिका कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, जितना हम सिलेबस पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से करते रहो बस. Then, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये थोड़ा सा एक हायर लेवल का क्वेश्चन था आप लोगों के हिसाब से, बट क्या रिपीट करना है, डोंट गिव मी हार्ट अटैक. कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेन चाहिएगा तो बता दो मुझे क्या रिपीट करना है. तो आपको देखो लॉजिकली समझ में आ चुका है कि पहले दो केस में एक्टिवेटर नहीं है, अगर एक्टिवेटर नहीं है तो कोई भी इसको इंड्यूस नहीं करा पाएगा. सो देयर विल बी अ बेसल लेवल, एक बेसिक लेवल पे चलता रहेगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन.
थर्ड केस में जो है ऑपरेटर को, सॉरी थर्ड केस में हमारा इंड्यूसर रिप्रेसर को बाइंड नहीं हो सकता है। अगर इंड्यूसर बाइंड होता था तो रिप्रेसर हट जाता था, बट अगर इंड्यूसर बाइंड नहीं हो पाएगा तो रिप्रेसर विल ऑलवेज बी बाउंड टू दी ऑपरेटर। ठीक है, आर वाला। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट इफ आपको मैंने बोला कि रिप्रेसर इज म्यूटेटेड, इफ आई टेल यू दैट रिप्रेसर इज म्यूटेटेड, ओके हाँ दैट इज लीकी बेसल लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ओके। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अगर आपको मैं बोलूँ कि रिप्रेसर म्यूटेटेड है तो इस केस में हमारा उपरॉन ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? What if there is mutation in the repressor? In this case, the operon will be on or off. क्या होगा बच्चों? On रहेगा? Others, what do you think? हमेशा on रहेगा? पक्का? चलो अब मुझे ये बताओ, व्हाट इफ रिप्रेसर इज म्यूटेड सच दैट इंड्यूसर कैन नॉट बाइंड टू रिप्रेसर? अगर ऐसे हुआ तो रिप्रेसर को इंड्यूसर बाइंड ही नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा? इन दिस केस रिप्रेसर विल बी बाउंड टू ऑपरेटर ऑलवेज, दैट मींस नो एक्सप्रेशन। या हम बोल सकते हैं ऑपरेटर हमारा कंप्लीटली ऑफ रहेगा। आई बात समझ में? तो रिप्रेसर म्यूटेटेड का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि हमेशा ऑन ही रहेगा, इसका मतलब कभी कभी परमानेंट ऑफ भी हो सकता। तो यहाँ पे आपको वही चीज बोली थी कि म्यूटेशन हमारे रिप्रेसर में एक ऐसा म्यूटेशन आया है दैट इंड्यूसर कैन नॉट बाइंड टू द रिप्रेसर। अगर इंड्यूसर बाइंड नहीं हो पाएगा तो रिप्रेसर विल बी ऑलवेज बाउंड टू द ऑपरेटर, एंड इफ इट इज ऑलवेज बाउंड टू ऑपरेटर देन मीन दैट मींस व्हाट, देयर विल बी नो एक्सप्रेशन। व्हाट इफ रिप्रेसर में म्यूटेशन आया है सच दैट इट कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर? वॉट इफ ये ऑपरेटर को बाइंड ही नहीं हो सकता? अब बताओ अब क्या होगा एक्सप्रेशन? वॉट इफ इट कैन नॉट बाइंड टू दी ऑपरेटर? सो नाउ देर विल बी ऑलवेज एक्सप्रेशन और नो एक्सप्रेशन? नाउ देर विल बी ऑलवेज एक्सप्रेशन, है ना? सो दिस विल बी ऑलवेज, क्योंकि अभी क्या हो चुका है कि रिप्रेसर में हमारा एक ऐसा म्यूटेशन आया है कि रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर को बाइंड ही नहीं हो सकता है। अगर ये बाइंड नहीं हो सकता है तो इन दिस केस नो वन इज देयर टू कंट्रोल, एंड इफ नो वन इज देयर टू कंट्रोल सो इट विल बी ऑलवेज ओके। मूव ऑन कर लो अनुराग में, बट आप सारे आंसर तो दे दो मुझे सही से। कुछ चलो ये बताओ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लेट मी जस्ट चेंज द फॉन्ट ऑफ इट। फॉन्ट ही अपने आप से कैसे चेंज होगा? What will be the answer here? बच्चों इसका आंसर
चलिए क्या आएगा इसका आंसर? समर सिंह टू, समर सिंह सी। हाँ जी, सो क्या बोला गया है बच्चों? गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द लैक्टोसोप्रोन। आपको लैक्टोसोप्रोन का मैं ड्रॉ करके दिया है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटेड बिलो इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लैक्टोसोप्रोन। आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना था, करेक्ट तो नहीं बता दिया आप लोगों ने, तभी सब लोग कोई थ्री कोई टू बता रहे हैं। कोर में क्या गलती है बाबा? स्ट्रक्चरल जीन इज लैग जेड विच कोड्स फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बात तो सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? वन होगा शायद। अच्छा, आप लोगों ने कभी कॉन्सेप्ट सुना है सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग का? सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग का कॉन्सेप्ट सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, यू गाइस नोट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस एक्टिंग एंड ट्रांस एक्टिंग। देखो, अगर हमारे पास में एक जीन है बच्चों, और हमारे इस जीन में सपोज एक ऑपरेटर रीजन है, ओके, फिर सपोज एक प्रमोटर रीजन है, फिर सपोज यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल रीजन है, लैक जेड है, लैक वाई है और लैक ए है, ऐसे कुछ कंडीशंस है। उसके बाद में यहाँ कहीं पे लैक आई प्रेजेंट और यहाँ कहीं पे लैक आई का भी खुद का प्रमोटर प्रेजेंट है, तो ऐसा कुछ हमारा उपरान दिखता है। अब अगर मैं बात करती हूँ बच्चों इस प्रमोटर रीजन की, अगर मैं बात करती हूँ इस ऑपरेटर रीजन की, तो क्या आप मानते हो कि हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा? दिस ऑपरेटर विल कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स जो उसके सामने प्रेजेंट है। जो हमारा ये ऑपरेटर है ये क्या करेगा? ये डीएनए का ही सीक्वेंस है और ये डीएनए का ही सीक्वेंस क्या करेगा? अपने आगे वाले सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा। ये कहलाते हैं हमारे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं हमारे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स, जैसे कि ऑपरेटर और प्रमोटर, ये होते हैं बच्चों हमारे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। नाउ अगर हम बात करते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स की, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास लैक आई जीन है, इस जीन का क्या बनेगा? इस जीन का बनेगा एमआरएनए, फिर इस एमआरएनए से मिलके, और फिर या हम बोलेंगे कि इस एमआरएनए को फर्दर यूज किया जाएगा ट्रांसलेशन में और उससे बनाया जाएगा प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? ये प्रोटीन आके पॉलीमरेज को बाइंड होगा और नॉट पॉलीमरेज, ये आके हमारे ऑपरेटर को बाइंड होगा और क्या करेगा? एक्सप्रेशन को इनिबिट कर देगा, एक्सप्रेशन को इनिबिट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि दो जीन सीक्वेंसेस है ना, दो हमारे जीन सीक्वेंसेस थे। एक जीन सीक्वेंस किसका है? एक है ऑपरेटर का जीन सीक्वेंस और एक जीन सीक्वेंस है हमारे रिप्रेसर का। ऑपरेटर का जीन सीक्वेंस कैसा है भाई? वो वही प्रेजेंट है और अपने सामने वाले जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। ऑपरेटर वाला कैसा है? तो वो प्रेजेंट जहां पे है वो अपने सामने वाले स्ट्रक्चरल जीन्स के एक्सप्रेशन को ही कंट्रोल कर रहा है। बट वही अगर हम बात करते हैं बच्चों रिप्रेसर की, तो रिप्रेसर में क्या हो जाएगा? तो ये अभी हमारे ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जो कहीं दूर प्रेजेंट रहेंगे पर उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो आके कंट्रोल करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। नाउ सीक्वेंसेस लाइक ऑपरेटर, एनहांसर, प्रमोटर, ये सारे के सारे सिस एक्टिंग एलिमेंट है। एक्टिवेटर है, इनहिबिटर है, रिप्रेसर है, ये सारे के सारे हमारे ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। आई बात समझ में सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग की? सो यहाँ पे क्या बोला गया था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पी इज ट्रांस एक्टिंग, ये बात गलत है। पी क्या है? प्रमोटर एक सिस एक्टिंग एलिमेंट है ना कि ट्रांस
ट्रांसैक्टिंग एंटिटी. इज दिस क्लियर? ये एक सिंस एक्टिंग एलिमेंट होता है ना कि ट्रांसैक्टिंग एलिमेंट. ओके चल ऑप्शन टू. ऑप्शन टू में क्या बोला है? द प्रोटीन एनकोडेड बाय लैक आई इज ट्रांसैक्टिंग वेयर एज लैक आई जीन इज सिस एक्टिंग. हाँ तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रोटीन आपका एनकोड हो रहा है, जो हमारा प्रोटीन एनकोड किया जा रहा है लैक आई के द्वारा, ये एक ट्रांसैक्टिंग एलिमेंट का काम करता है. ये आगे का स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है, चलो इसको आप अगर इग्नोर करो. पहला पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो लैक आई जो है वो ट्रांसैक्टिंग एलिमेंट है, ये बात सही है. तो लैक आई का जीन प्रोटीन ही बोलेंगे आप. लैक आई को एक सिस एक्टिंग एलिमेंट के नाम से जानते हैं, उसका जीन प्रोटीन अलग अलग नहीं होता है, हम उसको एलिमेंट के नाम से ही जानते हैं. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड Just let me look over the font here. Give this question a try. Try this question, everyone. फोर थ्री क्या आएगा इसका आंसर? हाँ टेलोमेरेज इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव काइंड ऑफ एंजाइम. इट इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ट्रू. क्या होगा? तो क्या बोला गया है कि All the cells of eukaryotic system contain telomerase gene, but it is expressed in germ cells, transformed cells and stem cells. What could be inferred based on your knowledge about the telomerase? ठीक है, तो आपको पूछा गया कि कौन सी बातें हम यहाँ से बोल सकते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? The expressed telomerase in cancer cells is able to join the Ogasaki fragments. नहीं भाई, ये सिर्फ end replication problem को solve करते हैं, fragment को joining वाला काम नहीं करते हैं. Gap filling, primer removal, etc. done by other enzymes. Eukaryotic cell lacking telomerase is highly probable to be cancerous cells. नहीं, telomerase नहीं होना मतलब normal होता है, नहीं मतलब cancer cell होंगे ऐसा नहीं होता है या नहीं होंगे ऐसा नहीं होता है. But जहाँ पे telomerase है नहीं है, अगर टीलोमरेज कैंसर सेल्स है तो टीलोमरेज रहेंगे, ये बात है. दोज सेल्स विच लैक टीलोमरेज जीन विल बी अनेबल टू प्रूफ रीड इनकरेक्टली. नहीं, प्रूफ रीडिंग का कोई वास्ता रिश्ता नहीं होता टीलोमरेज से. बट फोर्थ में क्या बोला गया है? दैट ग्रेजुअल एंड ऑल्टरनेट रिडक्शन क्रोमोसोम लेंथ इज ऑब्जर्व्ड इन सेल्स विच लैक एक्टिव टीलोमरेज. तो ग्रेजुअल एंड ऑल्टरनेट रिडक्शन बोला गया है क्रोमोसोम का लेंथ का, जहां पे लैक करेगा टीलोमरेज, जहां पे टीलोमरेज नहीं रहेगा वहां पे क्रोमोसोम का लेंथ आफ्टर एवरी सम टाइम डिक्लाइन होता है. ठीक है, सो यस दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर. ओके somatic cells.
मतलब एजिंग वाला फैक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि जीन डिलीशन स्टार्ट हो जाता है ना आफ्टर अ टाइम, द जीन डिलीशन इज ऑब्जर्व। तो वहां पे कंटिन्यूअस हमको इस तरीके से डिलीशन डिलीशन के प्रॉब्लम्स देखने को। दिस क्वेश्चन ट्राई दिस क्वेश्चन टू। सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर टू हियर। सो अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर व्हेन द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल मशीनरी एनकाउंटर्स द यूएजी कोडॉन। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि ट्रांसलेशन में एमआरएनए में जो कोडॉन है वहां पे अगर एक स्टॉप कोडॉन आ जाए, चाहे वो यूएजी हो, चाहे यूजीए हो, चाहे यूएए हो, तो इससे क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको हमारा कोई भी टीआरएनए पहचान नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारे रिलीज फैक्टर्स आएंगे, रिलीज फैक्टर्स आएंगे, फिर यहाँ पे हमारे राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर्स आएंगे और आके राइबोसोम को डिसोसिएट करा देंगे। सो व्हाट विल हैपन हियर, द टर्मिनेशन कोडॉन फैक्टर्स रिकॉग्नाइज दिस कोडॉन एंड द ट्रांसलेशन विल एंड, द ट्रांसलेशन विल स्टॉप। ठीक है, चलो वापस से आंसर्स दिख रहे हैं, ये आंसर्स पता नहीं है, आई डोंट नो। दिस वन फोर होगा, दिस फोर में क्या बोला गया है, दिस कोडॉन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी फैक्टर्स, ये बात गलत है। ओके देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन की बारी आती है, जब भी ट्रांसलेशन के टर्मिनेशन की बारी आती है, अगर कोडॉन आता है इफ इट इज प्रोकैरियोट, अगर कोडॉन आएगा सपोज यू ए ए या यू ए जी, तो वहां पे हमारे रिलीज फैक्टर्स, वहां पे हमारे रिलीज फैक्टर्स आते हैं और ये आके क्या करते हैं, ये आके इन कोडॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड ये उस न्यू चेन जो भी अपना नया प्रोटीन चेन बना है उसके रिलीज को प्रमोट करते हैं। आर एफ टू क्या करते हैं, तो ये यू ए ए एंड यू जी ए को आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉप कोडॉन्स को एंड ये भी न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन को वहां से रिलीज करवाते हैं। फिर आर एफ थ्री आता है, तो आर एफ थ्री आके आर एफ वन और आर एफ टू को रिलीज करवाता है। तो ये बात गलत है कि वहां पे कोई फैक्टर नहीं आएगा, वहां पे कोई नया टीआरएनए नहीं आएगा, ये बात सही है, बट कोई फैक्टर नहीं आएगा ये बात गलत है, बिकॉज वहां पे फैक्टर्स तो जरूर आते हैं। लास्ट 5 to 6 क्वेश्चन ओनली आर रिमेनिंग, चलो कर लो जल्दी से। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लैक्टोज ओपेरॉन, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है। यूकैरियोट में फैक्टर्स के नाम चेंज हो जाएंगे, फंक्शन वैसे ही करेगा, फैक्टर्स के नाम चेंज हो जाएंगे, वहां पे आर एफ वन आर एफ टू रहता है, यूकैरियोट्स के अंदर आर एफ वन ही तीनों स्टॉप कोडॉन को पहचान सकता है, बट प्रोकैरियोट्स में दो फैक्टर्स लगते हैं टू आइडेंटिफाई ऑल दी स्टॉप।
वन चलो कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो क्या बोला है, ट्राई कर रहे हैं इसको, ट्राई कर लो 2 मिनट, देन आई हेल्प यू। इन कॉन्टैक्ट टू द लैक्टोज ऑफरॉन टू बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, एक P1 की बात की जा रही है और P2 की बात की जा रही है, एंड दे हैव गिवन अस देयर जीनोटाइप। P1 का जीनोटाइप दिया है हमको, P2 का भी दिया हुआ है, और बोला गया है कि हम उनका एक मेरिडोप्लॉट बनाते हैं, दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो हमारा डॉटर स्ट्रेन डी बनता है। अब आपको बताना है एक्सप्रेशन ऑफ जेड इन ऑल दीज थ्री स्ट्रेन। आपको जेड के बारे में बताना है कि जेड कहाँ पे एक्सप्रेस होगा, कहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अगर आप पहला सिनारियो देखो, अगर मैं P1 को देखूं, तो P1 में क्या है, यहाँ पे तो जेड ही माइनस है। P1 में जेड हमारा माइनस है, मतलब P1 में तो देयर विल बी नो एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं P2 की, है ना, अगर हम बात करते हैं P2 की, तो P2 में क्या है, यहाँ पे जेड भी प्रेजेंट है, ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे रिप्रेसर नहीं है। अगर रिप्रेसर नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिप्रेसर नहीं है तो देर विल बी ऑलवेज एक्सप्रेशन, और वी कैन से देर विल बी दिस कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। और अगर हमने दोनों को मर्ज किया, अगर हमने मेरा डिप्लॉयड बनाया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो लैग आया है वो जाके इस ऑपरेटर को कंट्रोल कर सकता है। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको इन दी प्रोजेनी वी कैन सी दी इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज दी करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर करीन? लास्ट के 4 to 5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, थोड़ा पेशेंस रखो, कर लो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। देखो हमने आज ओपरॉन के इतने क्वेश्चंस किए हैं, जितनी वैरायटी पूछी जा सकती थी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी कराई है। अब आपको इसी के आसपास में कुछ और पूछा जाएगा तो इसी के आसपास पूछा जाएगा, इससे ज्यादा ओपरॉन नहीं आता है। इतना ओपरॉन इन्फॉर्मेशन इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू। अरे बाबा अभी हमने इतने सारे किए हैं तो कैसे नहीं बनेंगे, बन जाएंगे बन जाएंगे। और बता रहे हैं बच्चे, ये तो आपके रिपेयर का क्वेश्चन है ना, ये तो बता दो। तो क्या बोला गया है, द मिसमैच रिपेयर एक्टिविटी ऑफ इकोलाय रिपेयर मिस इनकॉर्पोरेटेड बेसिस विच इज नॉट रिमूव्ड बाय द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। हाउएवर व्हाइल डूइंग सो इट हैज टू डिसाइड विच ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड विच वन इज पैरेंट। तो अगर हमको पैरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड पहचाना है तो कैसे पहचानेंगे, पैरेंटल स्ट्रैंड में मिथाइलेशन रहेगा, डॉटर स्ट्रैंड में मिथाइलेशन नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई इट बाय द हेमिमिथाइलेशन, मतलब कि पैरेंटल एंड डॉटर इस तरीके से आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम वर्क्स इट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज, बाय दिस हेमिमिथाइलेशन, बिकॉज़ एक एंजाइम आता है कॉल्ड एज डायमिथाइलेज। पहले हमारा पॉलीमरेज काम करेगा, फिर उसके पीछे मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करता है, अगर कोई गलती हो जाए तो वो ठीक करेगा, गलती नहीं हुई होगी तो डायमिथाइलेज आके पूरा मिथाइलेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, चलो ये बताओ, someone was saying this, genetic disorder xeroderma pigmentosum is due to defect in what, कौन से सिस्टम के काम नहीं करने की वजह से कॉज होता है xeroderma pigmentosum? The answer for that is
न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है ना, अगर एनईआर काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है टू यूवी डैमेजेस, यूवी लाइट है, डैमेज है, उन सबसे बहुत ज्यादा हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है. सो दैट इज जीरोडर्मा पिगमेंटोसम द कंडीशन. ये बताइए द कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स फॉल इनटू थ्री मेन कैटेगरी. आपको रिस्पॉन्स पूछा गया है कि भाई किस टाइप के रिपेयर सिस्टम में हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, विच रिपेयर सिस्टम विच एंजाइम. बफरिंग. ओके नाउ इट्स फाइन. तो कैसे करोगे इसको? एक होता है डैमेज को बाईपास कर देना, एक होता है डैमेज को रिवर्स कर देना, और एक होता है डैमेज को रिमूव करना. अगर हम बात करते हैं डैमेज के रिवर्सल की, तो इसमें आते हैं आपके डायरेक्ट रिपेयर. यहाँ पे आता है बच्चों डायरेक्ट रिपेयर, और इस डायरेक्ट रिपेयर में दो ही एंजाइम्स काम कर सकते हैं. एक होता है डीएनए पोटोलाइज, एक होता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज. सो टू का मेरा आंसर ए आना चाहिए, मेरा आंसर यहीं से आ गया. डैमेज बाईपास का मतलब क्या होता है? तो इसमें आता है हमारा ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, जहां पे हम लोग डैमेज को बाईपास कर देते हैं. तो वन का आंसर सी आना चाहिए. एंड डैमेज रिमूवल का मतलब होता है जो भी इनकरेक्ट बेस है उसको रिमूव करना. थ्री का आंसर बी आ जाएगा. ऑप्शन नंबर थ्री हियर इज द करेक्ट आंसर. गुड जॉब, जिन्होंने बिल्कुल सही बताया. ओके चलो ये बताओ, ये भी बहुत इजी है, इसको ट्राई करो. अल्फा अमाइनेटिन चलो क्या आएगा इसका आंसर? सो हाँ जी, अगर हम बात करते हैं अल्फा अमाइनेटिन की, जो हमको मिलता है फ्रॉम द मशरूम अमांशिया पेलुडिया, डेथ कैप मशरूम बोला जाता है. सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है हमारा पॉलीमरेज टू, है ना, फिर होता है पॉलीमरेज थ्री, एंड देन वी हैव दिस पॉलीमरेज वन. चलो इसको बताओ, जो आप मुझे पूछ रहे थे ना मैम टोपो आइसोमरेज में रिथ क्या होता है, ट्विस्ट नंबर क्या होता है, लिंकिंग नंबर क्या होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा. इन डीएनए टोपोलॉजी द लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ व्हाट? डीएनए टोपोलॉजी में लिंकिंग नंबर जो होता है हमारा वो इसका सम होता है, इसको ऐड करने से हमको लिंकिंग नंबर मिलता है. ये बता रहे हैं बच्चे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी लिंकिंग नंबर, सो यस लिंकिंग नंबर क्या होता है, तो मैं हट जाती हूँ यहाँ से. इसको देखो, इट इज बेसिकली इक्वल टू दी सम ऑफ ट्विस्ट नंबर एंड रिथ नंबर. ठीक है, ट्विस्ट नंबर और रिथ नंबर को जुड़ के बनता है हमारा लिंकिंग. रिथ नंबर क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रिथ नंबर? आई एक्सप्लेन टू यू डेल्टा, डोंट वरी. ये बताइए
width number in DNA topology refers to some are saying 3, some are saying 8. So yes, अगर हम बात करते हैं बच्चों width number की, तो width number का मतलब क्या होता है, ये represent करता है number of times one DNA strand crosses over or under the other in a DNA topology contributing to the overall supercoiling state of the DNA molecule. ठीक है, so देखो ये हमारा एक सुपरकॉइल है, ये हमारा सुपरकॉइल है. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमको इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमको इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या बता सकते हो यहाँ से. दीज आर दी सुपरकॉइल्स, दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट सुपरकॉइल्स. आपको यहाँ पे लिंकिंग नंबर देखने को मिलता है. सो हियर द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स व्हेन टर्न्ड अराउंड अनदर स्ट्रैंड, इसको हम लोग ट्विस्ट बोलते हैं. ओके, ये एक ओवरलैपिंग कंडीशन होता है ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ओवर दी अनदर स्ट्रैंड. तो कितना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कितना वो एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहा है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो आप इस तरीके से अगर काउंट 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 करते हुए चलोगे तो हमको वृत्त पता चले. ठीक है, ऑन द अदर हैंड हाँ, तो यही चीज को बोला गया जो इंटरकॉलिंग होता है डबल हेलिक्स का, उसको हम लोग यहाँ पे रित बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको याद रखना है हमारा जो भी ये लिंकिंग नंबर होता है ये क्या होता है, ये आपके पी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आर का एडिशन होता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? पढ़ना है अंजलि और कुछ? यहां तक की सारी बातें सबको समझ में आ गई है? यहां तक की सारी बातें सबको समझ में आ गई है? चलो तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू ब्रदर. ओके, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो. एंड प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड कि मैं आप लोगों को ओपन ऑन अच्छे से करवा दूंगी इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, वो मैंने आपको करवा दिया है. ब्रेथ और टोपोलॉजी में आपने जो मुझे पूछा था मैंने आपको उसकी डेफिनेशंस बता दी है, और बाकी तो हमने रेप्लिकेशन वगैरह ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, उसको भी आज हमने एक एक बार करके एक एक बार रिवाइज कर लिया है. एंड बचा आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एवरीथिंग वी हैव डन. एंड जो मैंने आपका पहले लिया था मोल बायो का सेशन, उसको भी जरूर देख लेना, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसको पढ़ जरूर लेना. उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे टेबल्स और चार्ट्स प्रोवाइड किए थे, तो उसको भी एक बार देख के जाना एग्जाम में, वहां से भी काफी क्वेश्चन आपके बच सकते. ठीक है, मोस्ट वेलकम एवरीवन. सो यस, फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ifsonline.com. टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ओनली एट ₹1. आपको यूज करना है प्रोमो कोड MAM19 और आपको पूरी टेस्ट सीरीज ₹1 में मिल जाएगी. सो बिल्कुल जाके आप लोग इसको परचेज करके प्रैक्टिस करो. ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एग्जाम्स प्राइम सेशंस एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अवर ऐप, तो जाके जरूर आप लोग इन सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट वेलकम एवरीवन. ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, और प्लीज लिंक को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ताकि जो बच्चे अभी ना देख पाए हैं एटलीस्ट वो बाद में जरूर देख पाए. ठीक है, चलो. सो बाय बच्चों, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन. यू कैन एंजॉय योर संडे, पढ़ लो कुछ दिन बच्चे एग्जाम को, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो. सीबीटी का रिजल्ट आया है, सभी का आया है, स्कोर कम है ज्यादा है वो देख लेंगे, फिलहाल गाड़ी पे फोकस करो. ठीक है, क्या 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 एनएटी क्वेश्चन? नहीं, एनएटी नहीं आएगा. क्वेश्चन की पैटर्न की बात करूं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, आप लोग को शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ नहीं आते आजकल, मुझे लग रहा है मैं बूढ़ी हो रही हूँ. बच्चे कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई डोंट गेट इट. न्यूमेरिकल आंसर टाइप की बात कर रहे हो क्या? वो नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, यस यस श्रवणी. देखो गैटवे के एग्जाम में पेपर इमेज आपको मैथ से वो पूछा जाएगा और कुछ नहीं. ठीक है, नो सीरियसली चाली, मेरे सेशन में ना काफी बच्चे ना काफी दिनों से IG लिख रहे थे, आई थॉट इंस्टाग्राम लिख रहे थे, मैंने कहा ये इंस्टाग्राम क्यों लिख रहे हैं, फिर मैंने पूछा बच्चे को, उन्होंने कहा मैम आई गेस होता है, IG का मतलब आई गेस होता है, मुझे उस दिन पता चला. तो ऐसे काफी सारी चीजें जो मैं सीखती रहती हूँ, तो पता चला आपका भी कुछ नया शॉर्ट फॉर्म हो. ठीक है, चलो बाय एवरीवन, गो एंड हैव योर लंच, खाना वगैरह खा लो आराम से.
विल सी, वी विल मीट वेरी सून. चलो बाय बच्चों, हैप्पी लर्निंग टू.